case laws, whether in appeals or in the lower era. So I have a request, say Nitin Kavarji, to kindly take up this. So I just want to thank Eastern Seventy Circle for giving this opportunity for this wonderful. Thanks a lot. And though under COVID-19, it's a second day of East End. East End ने भी चार मीटिंगें लगातार प्लान करी हैं. एक कल थी, एक आज है और एक कल है दोबारा, एक फिर परसों दोबारा है. तो जिसमें देयर आर डिफरेंट स्पीकर्स. मेरे बाद अभी लोकेश जी बोलेंगे और कल तरुण गुप्ता जी ने बोलना है और रश्मि खेतरवाल जी बोलेंगे ऑन ऑडिट पार्ट. और परसों फिर सतीश अग्रवाल जी ने बोलना है और ऑन चैरिटेबल ट्रस्ट. एंड आर के गौर साहब ने परसों बोलना है. ही इज सपोज टू स्पीक ऑन सर ऑडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिट कैसे क्या क्या है. दिल्ली कोऑपरेटिव कैसे म्यूचुअलिटी पे बात करेंगे. आज टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन. आई विल एक मेरी पर्सनल अपना माइक को म्यूट पे रखेंगे तो मेरे लिए बहुत बेटर हो जाएगा. किसी ने कोई भी क्वेश्चन पूछना हो ही कैन उसके बाद स्टार्ट. मैं जब सेशन स्टार्ट करूंगा तो कोई टॉपिक को हिसाब से खत्म कर लेंगे क्योंकि सिंस द टाइम इज लिमिट इज डेढ़ घंटा. तो पांच एक मिनट ऊपर, पांच दस मिनट ऊपर होते हैं क्योंकि सेकंड स्पीकर ने भी टाइम देना होगा हिसाब से. तो आई विल ट्राई टू स्टार्ट माई सेशन नाउ. लेट मी शेयर माय पीपीटी फर्स्ट. Nitin, voice is quite low. Meri voice? Yes. मैं भाई अभी वो लगा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं. मैं वो कर लेता हूँ. अब इज इट ओके? अब ठीक है? So, can you be a little bit louder? अब ठीक है? If it is possible to a little bit louder. अब ठीक है? अब सब ठीक है क्या? हाँ ठीक है, but try to a little bit louder. ठीक है, ठीक है, thank you. Okay. So the today's session is demonetization and cash deposit under edition 68-69. सर टारगेट ये है कि डिमोनेटाइजेशन के ऑलरेडी केस हो चुके हैं. तो इस केस में हो चुका है, जब एडिशन हो चुकी है तो हम सारे के सारे अपील में. अब क्वेश्चन ये उठता है कि अपील में क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं. क्या अपील में आने वाले टाइम पे ये दिक्कत भी आ सकती है कि सीआईटी क्या एडिशन कर सकता है, क्या एडिशन कर नहीं सकता. हम क्या ग्राउंड लें, किस ग्राउंड को कैसे हेल्प करें, किस तरीके से काम करें सो दैट आपको काम करने में थोड़ी आसानी हो जाए. सुमित भाई मैं आपको ना वो बना देता हूँ. आप Let me make Jitender host. वो better हो जाएगा मेरे लिए थोड़ा सा. Admit हो रहे हैं लोग. Jitender को बोल देंगे आप. सुमित भैया आप बोल देना Jitender को कि वो उनको host बना दिया. ठीक है, तो वो थोड़ा सा admit देंगे. Jitender is host. Okay. हाँ बता दिया तो Jitender को phone कर दें आप. ठीक है. हाँ जी भैया. Now let us come out this about this subject. सर ये subject हमारा target ये है कि demonetization में जो जो हमने ग्राउंड्स लिए हैं तो टारगेट ये क्या, हमारे ग्राउंड ठीक है नहीं ठीक है एक बात, और ग्राउंड्स को ठीक करने के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू मोर सो दैट कल को ग्राउंड पे हमने कैसे टेकअप करना है. नाउ सर टारगेट आज हम कोई लोन की बात नहीं करेंगे, हम शेयर कैपिटल की बात नहीं करेंगे. कहीं कहीं हो सका तो बात कर लेंगे, पर आज का सारा फोकस डिमोनेटाइजेशन जो कैश डिपॉजिट हुआ था, जो हमारी एडिशन हुई है 68 या 69 ए के अंदर, उस केस में जो अपील में है तो अपील में मुझे क्या क्या चीजें लेनी है वो हमने ध्यान रखना है. ठीक है. नाउ बिफोर स्टार्टिंग इट सर कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखें हमेशा. पहली बात सर ऑल रिसीप्ट्स आर नॉट इनकम एंड ऑल इनकम आर नॉट टैक्सेबल इनकम. आई वांट टू से कि सर जितनी भी रिसीप्ट होती है वो इनकम नहीं होती है और सारी इनकम मेरी टैक्सेबल इनकम नहीं होती थी. कुछ ऐसी इनकम भी हो सकती है जो सर एग्जेम्प्टेड हो और ये भी उस जिसका ड्यूरेशन इंडिया में पड़ता ही ना हो. अगर मान लीजिए देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी मैं नॉन रेजिडेंट हूं तो जरूरी नहीं है मेरी सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी. जो इनकम मेरी एक्रू हो रहा है बाहर होगी तो ऐसे केस में वो इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी. अब जब हम कैश डिपॉजिट की बात करते हैं तो वहां बात करता है एवरी रिसीप्ट्स आर रेवेन्यू रिसीप्ट्स एंड ऑल रेवेन्यू रिसीप्ट्स आर नॉट टैक्सेबल इनकम. प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर सारी रिसीप्ट जो मिलती है वो रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं है, वो कैपिटल रिसीप्ट हो सकती है. राइट,
मैंने कोई उस पर ये भी सोचता है कि कोई कैपिटल गेन लगता हो या फिर कोई मान लीजिए कैपिटल रिसिप्ट है टैक्सेबल होगी ही नहीं, और साथ के साथ अगर कोई रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट है तो सारी रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल इनकम नहीं होती। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी, मान लो सेल्स है, सेल्स में प्रॉफिट एम्बेडेड होता है राइट टू अप्रिशिएट, मैं क्लियर हूं आपको सर? तो इट इज नॉट दैट सेल्स पूरी पूरी सेल्स टैक्सेबल हो जाएगी, तो सेल्स में जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो मेरा आना है खर्चे घटाने के बाद जो प्रॉफिट होगा वो ही टैक्सेबल होगा, राइट सर? दूसरी बात, एक जजमेंट बहुत नोट करें जो मैं हर बंदे को समझाता हूं, और ये जजमेंट हर जगह कोट कर सकते हैं आप, और इट हैज अ वेरी रैशनल वैल्यू। दो ये 37 ITR है तो इसका मतलब ये 1922 एक्ट के बात कर रहा है, राइट? तो 1959 में आई थी, 1922 एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में आई थी, उन्होंने बोला था कि द एडवर्स इंफरेंस कैन बी ड्रॉन वेयर देयर वाज अ बिलीव दैट बैड प्रैक्टिस प्रीवेलिंग इन द ट्रेड। मतलब कहीं पे गलत काम हो रहा है, इट डजंट मीन कि भैया मेरा SSC ने भी काम गलत किया है, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर कहीं पे गलत काम हो रहा है तो हो सकता है, पर ये हो सकता है मेरे SSC काम ठीक कर रहा हूं। दूसरा सर, एक्सीडेंट रीजनस कान बी मेड द बेसिस फॉर एडिशन। ये नहीं कि भैया कोई रीजन आपने मान लिया कि इसने गलत किया होगा या समथिंग, कोई पब्लिक डोमेन में कोई गलत काम हो रहा है तो भैया उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो आप। इट कान बी यूज टू इन्फ्लुएंस द बेस कि भैया आप ये नहीं बोल सकते बाहर कोई गलत काम हुआ है तो भैया ये काम हमारे यहाँ पे भी गलत हुआ होगा। नाउ ये चार नोटिफिकेशन है सर, इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे कि भैया क्या क्या इश्यूज है इसके अंदर। इसको मैं रैदर डिस्कस करूंगा जब मैं ये डिस्कस करूंगा कि क्या 8 नवंबर के बाद, 8 नवंबर के बाद क्या मैं कैश सेल कर सकता था या नहीं कर सकता था, क्या डेटर से रिकवरी कर सकता था या नहीं कर सकता, वो चारों क्या क्या है। पहला है नोटिस नंबर 2652 एंड 263, 8 नवंबर को आई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इशू किया था सर, RBI ने इशू नहीं किया, राइट? दूसरा एक स्पेसिफिक बैंक नोट सीजन एक्ट था 2017 में, जहां पे बैंक को नोट, बैंक ने बोला था मई में बोला था कि अब इस नोट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, ये कब आया था मई 2017 में, और उसके बाद एक टैक्सेशन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट है 2016 जहां पे रेट 30% 60% कर दिया था सर। एक सबको प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है सर, म्यूट रखेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, हेल्प हो जाएगी मेरी, थैंक यू। अब उससे पहले कि हम केस लॉस पे आए और डिस्कस करना शुरू करें कि क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या टेकअप किया हुआ है, तो सबसे पहले देखते हैं CBDT ने इंस्ट्रक्शन जो पास की थी, हुआ क्या था सर, 8 नवंबर 2016 को 8 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बोला मित्रों बहनों और भाइयों आज से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद हो गए, इलीगल घोषित कर दिया, इलीगल घोषित कर दिया, राइट? वट एवर ही हैज सेड। नाउ सर क्या हुआ, 21 फरवरी डिमोनेटाइजेशन हो गया और 21 फरवरी 2017 को सर उन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया CBDT ने, इसका नोटिफिकेशन नंबर था 3/2017 21/2017 को। तो इसमें कुछ एस्पेक्ट ऐसे थे जिस एस्पेक्ट को अगर आप ध्यान रखें तो ऐसे केस में मुझे डिमोनेटाइजेशन वाले केस के अंदर मुझे अगर अपील में इन मैटर में हूं सर ये इंस्ट्रक्शन दिखाऊंगा मैं केस जीत जाऊंगा। वो तो कौन से ऐसा, पहला है इंडिविजुअल विद नो बिजनेस, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है इंडिविजुअल है उसका कोई बिजनेस नहीं है, उसने कैश डिपॉजिट किया 2.5 लाख से कम, तो ये बोलता है भैया कोई फर्दर वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब कोई फर्दर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका बात खत्म। या फिर दूसरा केस ऐसा है कि कोई इंडिविजुअल है वो बिजनेस नहीं करता पर वो सीनियर सिटीजन है, इसकी एज 70 ईयर से ऊपर है, तो ऐसे केस में उसने 5 लाख तक जमा किए तो ऐसे केस में नो फर्दर वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। व्हाट आई वांट टू से, 2.5 लाख और 5 लाख केस, अगर आपकी कोई एडिशन होती है 2.5 लाख से कम जमा किए या 70 साल की उम्र है और आपका बिजनेस प्रोफेशन नहीं है, राइट? तो ऐसे केस में सीधी बात आप बोलेंगे कि भैया ये सर्कुलर की कॉपी दिखाइए, आपको कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, राइट? नाउ एक और पॉइंट था जहां पे उन्होंने बोला बुक्स मेंटेन्ड हुई है, जहां पे फर्दर आपको वेरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, वो कौन सी है, मान ली कैश डिपॉजिट किया आउट ऑफ ओपनिंग बैलेंस, मान लीजिए मेरे 31 मार्च 2016 को ओपनिंग बैलेंस 20 लाख रुपए था और मैंने सर 20 लाख रुपए मेरा मान लीजिए 4 लाख रुपए खर्च हो गया और 16 लाख रुपए जमा करा दिया, नो क्वेश्चन मार्क, बट सर साथ में केविट डाला कि ऐसा तो नहीं है कि मैंने अपनी जो मेरी रिटर्न है उसे रिवाइज करी हो या फिर मैंने इन्फ्लेट किया हो रिवाइजिंग द रिटर्न या बैकडेट ट्रांजेक्शन करी हो, तो ऐसे केस में सर AO के पास सब्जेक्टिविटी थी। मैं क्लियर आपको सर, व्हाट आई वांट टू से, अगर मान लीजिए आपने रिटर्न 31 अक्टूबर को भर दी जहां पे आपने बोला मेरा ओपनिंग कैश 20 लाख रुपए था और ऐसे केस में 4 लाख रुपए मोटा मोटा साल तक खर्च हुआ, आपने 16 लाख जमा करा दिया, क्या 31 अक्टूबर को आपको पता था कि डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को होना है? सर किसी को नहीं पता, तो इस वजह से सर कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने रिटर्न 8 नवंबर के बाद जमा किए या फिर आपने 31 अक्टूबर को 4 लाख कैश दिखाया और मान लीजिए गलती रह गई और गलती को ठीक करते हुए आपने 10 नवंबर या 15 नवंबर को रिटर्न भरी, दोबारा रिवाइज कर दी, सर यहां पे दिक्कत आएगी, यहां पे अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि कैश इन हैंड आपकी गलती हुई थी, आपसे गलती हो गई, एक्चुअली कैश इन हैंड 20 लाख रुपए था, यहां पे झगड़ा पड़ सकता है। तो यहां पे ओनर्स ऑन यू टू प्रूव इट इज मोर अगर आप 8 नवंबर से अपने पहले रिटर्न भरेंगे, राइट? नाउ
एक सेशन, इसी सेशन का एक पार्ट था, अगर आपने कैश डिपॉजिट कर दिया आउट ऑफ विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, अब मान लीजिए उस केस में उन्होंने बोला कि आपको ये चेक करना है डेट एंड अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल एंड कैश डिपॉजिट इन द बैंक और मेरी मैच। मान लीजिए आपने से 26 अक्टूबर को कुछ कैश निकाला और अब क्योंकि वो काम नहीं हो पाया 8 नवंबर को डिमोनेटाइजेशन हो गया, अब 10 या 11 12 या 15 तारीख को नवंबर को आपने कैश ऐसे जमा करा दिया, तो ऐसे केस में कहीं कोई दिक्कत नहीं। बट सर एक केवियट डाल दिया उन्होंने, क्या बोला, एओ शुड टेक बैलेंस व्यू इन एनालाइजिंग द गैप फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर स्पेसिफिक सबकॉन्शियस केस। व्हाट आई वांट टू से सर, उसको ये देखना पड़ेगा भैया कैश कितना पुराना है, तो व्हाट आई वांट टू, जितना लंबा कैश उतना ज्यादा टाइम आप ले रहे हो सर, उतना ज्यादा ओनस आप पे टू प्रूव इट कि जिस पर्पस के लिए आपने खर्च किया वो पैसे खर्च नहीं हुए। सर एओ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी मैं मोटा मोटा सीबीटी का सर्कुलर डिस्कस कर रहा हूं, अभी फिर मैं आपको बाकी चीजें बताऊंगा आपको कैसे मेहनत करनी है। एक आया सर कैश डिपॉजिट ऑफ कैश सेल्स, अब इसके दो पार्ट थे, बहुत दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला और पहला पार्ट ये था, द एओ मे सीक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, एग्जांपल मंथली सेल्स समरी विद ब्रेकअप ऑफ सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, सर रेलिवेंट स्टॉक रजिस्टर एंट्री, बैंक स्टेटमेंट एसेट्रा इन द केसेस विद द प्रीलिमिनरी सस्पिशन ऑफ बैकडेटिंग ऑफ कैशियर ऑफ फिक्टिशियस सेल्स। उन्होंने बोला भाई आपको ये सब रिकॉर्ड लेना है, मंथली सेल्स समरी भी लेनी है, रेलिवेंट स्टॉक रजिस्टर भी लेना, बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी लेनी है टू प्रूव इट कि भैया गलत काम नहीं हो रहा। और प्रॉब्लम क्या है, आपकी जितनी भी एडिशन हुई है, टेक माय वर्ड्स सर, इस पहले पार्ट पे तो काम किया ही नहीं, इन्होंने काम किया नीचे वाले पार्ट। नीचे वाले पार्ट कौन से है, मैंने देखिए 5 पॉइंट है, 4 को येलो किया हुआ है और 1 को ब्लू किया हुआ है। पहले हम चारों येलो पढ़ते हैं, राइट। वो चारों येलो क्या करते हैं, एबनॉर्मल जंप इन कैश सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड नवंबर टू दिसंबर 2016 एज कंपेयर टू अर्ली हिस्ट्री। भैया स्टैटिस्टिकल डाटा से कि भैया लास्ट ईयर तो आप कितनी सेल ली हुई थी। अगला देखिए सर, abnormal jump in percentage of cash sales to unidentified person in compared to earlier history. भैया पिछले साल तो आपने unidentified बंदों को तो सेल करी नहीं थी, अब कैसे सेल कर दी? More than one deposit of specified bank account in the bank account late in the demonetization period. आप एक बार 10 तारीख को जमा किया, एक बार 12 तारीख को किया, 15 को किया, 20 को किया। क्या बोल रहा है? Transfer of deposit cash to another account entity which is not in line of earlier history. अब हो क्या रहा है सर? इन चारों की आपकी बात करो, ये चारों किसकी बात कर रहे हैं? ये चारों बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल डाटा की। तो क्वेश्चन भी उठता है, क्या मेरी एडिशन सिर्फ स्टैटिस्टिकल डाटा से होनी है क्या? सर आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन उन्होंने क्या किया था, एक आपको चार्ट बना के दे दिया था कि भैया इसको भर के दे दीजिए, जहां पे था कि भैया स्टैटिस्टिकल डाटा था पिछले साल आपकी कितनी सेल थी, इस साल कितनी है, पिछली बार कैश सेल कितनी थी, इस बार कितनी है, पिछली बार कैश कितना जमा किया था, इस बार कितना जमा किया था। अरे मालिक हर काम स्टैटिस्टिकल डाटा से थोड़ा होना है, अगर सारा काम स्टैटिस्टिकल डाटा से ही होना है तो मुझे बताइए सर उस जो हमारा ये इनकम टैक्स एक्ट है जो काली बुक है इसका क्या लेने देना है, या रूल 6 है इसका क्या लेने देना है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट लिखा हुआ है उसका क्या लेने देना है, जो एविडेंसेस की बात कर रहे हो, मैं स्टॉक रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, जो मैं बिल्स की बात कर रहा हूँ, परचेज बिल्स की बात कर रहा हूँ, स्टॉक रजिस्टर वैट रिटर्न या वैट असेसमेंट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, क्या उसका रेलिवेंस कुछ नहीं है? हमने जो ऑडिट किया उसका रेलिवेंस क्या है? व्हाट आई वांट टू से सर, कब भी एडिशन होनी है तो दोनों एडिशन में सब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए और ऑब्जेक्टिविटी भी होनी चाहिए। आप सिर्फ सब्जेक्टिविटी करके एडिशन नहीं कर सकते। तो जो भी एडिशन हुई है इन्होंने क्या, पहले पार्ट को तो इन्होंने काम ही नहीं किया, इन्होंने सेकंड पार्ट में क्या किया सर, सेकंड पार्ट में भी चार हिस्सों में बात काम किया सर। ये पांचवा हिस्सा है जहां पे बोला नॉन ओरिटी ऑफ स्टॉक और अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लेट स्टॉक बाय इंट्रोड्यूसिंग फिक्टिशियस परचेज सर, इस पे भी इन्होंने काम नहीं किया, ना तो फोर्थ पार्ट पे काम किया ना पहले पार्ट पे काम किया। ये जो चार येलो है सर, इस पार्ट पे काम करने के बाद इन्होंने बोला भाई साहब अब स्टैटिस्टिकल डाटा के हिसाब से आपकी सेल इतनी नहीं होनी चाहिए, हम आपकी एडिशन करते हैं। दैट इज ऑल इज बैड इन लॉ, राइट सर। मैंने आपको बताया सर, कभी भी एडिशन होगी ऑब्जेक्टिविटी होगी और साथ में सब्जेक्टिविटी होगी सर, आप सब्जेक्टिव बेसिस पे आप एडिशन नहीं कर सकते, राइट सर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज इशू टू बी डिस्कस्ड। सर इशू के अंदर आप ये मान के चले जो भी एडिशन हुई है ये तो 68 में हुई है, 69A में हुई है, राइट सर। अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं आपसे ये पूछ करूंगा, कुछ चीजें पूछूंगा, क्या 69A या 68 के अलावा भी एडिशन होकर भी 115B भी ले सकता था क्या? मेरा क्वेश्चन ये है, क्या डिपार्टमेंट 68 या 69A के बिना लगाए बिना भी 115B भी ला सकता है? बताइए आंसर यस और नो। सर प्लीज मैं वेट कर रहा हूं आपकी चैट पे, आंसर दीजिए सर। अगर आपको 115B में टैक्स लगाना है, क्या 68 या 69A के अलावा किसी और सेक्शन में ऐड कर सकता है, या 68 या मैं ऐसे कहूं क्या 68 या 69 की फैमिली में अगर ऐड ना करे तो क्या 115B भी ले सकता है? द आंसर इज इम्फैटिक नो। व्हाट आई वांट टू से कि अगर 115B लगना है तो एडिशन आपकी 68 या 69 की फैमिली में लगना चाहिए। हुआ क्या, हम पढ़ेंगे 68 और 69 ने, अब हम देखेंगे कब क्या हो सकता है। 68 की बात करते हैं, 68 कुछ ऐसे बोलता है,
there is some is found credited in the books of NLC maintained for any previous year, and the CC offers no explanation about the nature and source thereof, or the explanation offered by him is not in the position of the assessing officer satisfactory. The sum so credited may be charged to income tax as the income of the SSC of that previous year. What I want to say कि सर डेफिनेशन में बोलता है कि अगर कोई अमाउंट कोई क्रेडिटेड हो गया आपकी बुक्स अकाउंट में और जहां पे या तो एसएससी ने कोई एक्सप्रेशन दी, अगर एक्सप्रेशन दी इट इज नॉट एट द सर्टिफिकेशन ऑफ एओ, या एक्सप्रेशन दी नहीं, कोशिश सर एक बार प्लीज म्यूट कर लें, मेरी पसर आपकी रिक्वेस्ट है। तो ऐसे केस के अंदर सर एडिशन आप जितेंद्र सबको म्यूट कर देना, जितेंद्र जितेंद्र सबको म्यूट कर दे भाई, फिर मेरे को मैं अनम्यूट कर लूंगा अपने आप। एग्जैक्ट इसीलिए तो जी। तो अब सर मैंने क्या किया है इसके हिस्से की 68 के जहां पे लिखा फॉर्म क्रेडिटेड लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब हर चीज को मैंने जो लाइन किया है इसको डिस्कस करना शुरू करेंगे, राइट सर। जितेंद्र मुझे आप वो बता दो, जितेंद्र जितेंद्र मुझे आप जितेंद्र मुझे राइट सो ठीक है। नाउ लेट मी कम टू दिस सर, नाउ व्हाट हैपेंड सर, अब इस केस में क्या हुआ सर कि मैं सेक्शन में क्या करूंगा सर, मैंने इसको कुछ रेट किया हुआ है, कुछ मैंने अलग अलग बनाए हुए हैं, उससे टारगेट मेरा क्या है कि हर चीज को जब मैं बनाऊंगा तो टारगेट मेरा ये है कि हर पॉइंट को एक बार कवर करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस सेक्शन में कवरेज हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, राइट सर। नाउ वो कहता है सम इज फाउंड क्रिएटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, राइट। पहले देखते हैं सर व्हाट डू मीन बुक्स ऑफ अकाउंट, पहले व्हाट इज क्रिएटेड, क्रिएटेड सुन लेते हैं सर। पहले बोलता है सर कैश क्रेडिट, पहली कंडीशन मान लीजिए कैश क्रेडिट ऑलवेज अ लायबिलिटी इन द बैलेंस शीट। व्हाट आई वांट टू से, जब आप सेल करते हो सेल में आप क्या एंट्री मारते हो सर, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स ऐसे मारते हो, या फिर अगर आपने क्रेडिट सेल करी है तो क्या करोगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर जब आप डेटर से पैसे रिकवर होते हो तो एंट्री क्या मारते हो आप सर, सर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू डेटर्स। तो क्वेश्चन ये उठता है सर लायबिलिटी कहीं टच हो रही है क्या, सर लायबिलिटी कहीं टच नहीं हो रही। यही आर्ग्यूमेंट हम पेनी स्टॉक में लेते हैं। पेनी स्टॉक में क्या बोलते हैं कि सर पेनी स्टॉक में मैंने क्या किया, क्या पहले बोला इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, हमने इन्वेस्टमेंट कर ली, और जब मैंने इन्वेस्टमेंट बेची तो क्या किया, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन ये उठता है तो ऐसे केस के अंदर क्या मेरे को मेरे केस के अंदर सर मेरी लायबिलिटी टच हो रही है, सर लायबिलिटी टच नहीं। तो पहला आर्गुमेंट आपका होना चाहिए सर लायबिलिटी तो कहीं इफेक्ट हो ही नहीं रही, मैं सारी की सारी सेल्स कर रहा हूं और सेल्स से मेरी लायबिलिटी कहां इफेक्ट हो रही है। मैं क्लियर आपको सर, डेटर आ रहा है या फिर कैश और बैंक आ रहा है, और जब डेटर से रिकवरी आ रही है तो कैश और बैंक मेरा डेबिट हो रहा है और डेटर मेरा क्रेडिट हो रहा है। अब प्लीज टेक माय वर्ड सर, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सारे केस में क्या है सर, प्लीज मान के चलिएगा कि सारी की सारी क्या है, इट्स मोर ऑफ टेक्निकल ग्राउंड। पर होता क्या है सर, चाहे डीमोनेटाइजेशन हो चाहे पेनी स्टॉक हो, सब में जो एडिशन हो रही है, सबके अंदर जो एडिशन हो रही है वो हो रही है एज इफ इट इज सर फैक्ट बेस्ड एडिशन। तो व्हाट हैपेंस, व्हाट आई वांट टू से कि नो डाउट ये टेक्निकल ग्राउंड आपको ले लेना चाहिए, पर ये आपको ज्यादा हेल्प नहीं करेगा। पर ग्राउंड लेने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बोलोगे सर मेरी लायबिलिटी हिट नहीं कर रही, राइट सर। नाउ एक केस और था सर, ताज बोरवेल्स का 291 ITR 292 मद्रास हाई कोर्ट का। इस जजमेंट में क्या हुआ सर, व्हाट हैपेंड, सो देयर वाज अ केस जहां पे एक एसएससी ने बुक्स अकाउंट दिए, और बुक्स अकाउंट देने के बाद उन्होंने क्या किया, उससे पूछा गया कि सर इसकी अकाउंट्स में ये अमाउंट क्रेडिट हुआ है। उसने बोला कि सर मैं बुक्स अकाउंट तो सर सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बना रहा हूं, जब मैं सिंगल एंट्री के सिस्टम के हिसाब से बना रहा हूं, डबल एंट्री से नहीं बना रहा, तो क्रेडिट तो कभी होगा ही नहीं। जब क्रेडिट ही नहीं होगा तो ऐसे केस में क्या होगा सर, मेरी बुक्स में क्रेडिट हुआ ही नहीं। तो व्हाट आई वांट टू से सर, हाई कोर्ट ने बोला एकदम ठीक सर, अगर सिंगल एंट्री सिस्टम है तो क्रेडिट सिस्टम नहीं हो सकता सर, एक आर्गुमेंट ये भी लिया जा सकता है आगे, राइट सर। नाउ आई बिलीव किसी ने हाथ खड़ा किया, सो दे वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन। ओके, तो लहंगे का तो आपको पता था कैसे बनानी है, लहंगे की बन गई है क्या मैडम,
सॉरी सर, उसके बाद नेक्स्ट पोर्शन आता है बुक्स ऑफ एनेसी। अब बुक्स ऑफ एनेसी में बात करते हैं, व्हाट डू यू नो बुक्स ऑफ एनेसी का मतलब क्या है, ठीक है जी। तो बुक्स ऑफ एनेसी की बात करते हैं, तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है सर? देयर वाज अ जजमेंट ऑफ 74 आईटीआर मैसूर हाई कोर्ट दैट अनलेस इट इज इंपॉसिबल टू कंप्यूट द बुक्स इनकम फ्रॉम द बुक्स द सेम इज टू बी रिलाइड अपॉन। व्हाट आई वांट टू से कि अगर आपको बुक्स में से कहीं से भी, अगर एसएससी ऑफिसर जैसी मर्जी बुक्स बनी हो, अगर वो कहीं से प्रॉफिट कंप्यूट कर सकता है तो सेम हैज टू बी रिलाइड अपॉन। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बुक्स रिजेक्ट ना हो। पर मान लीजिए अगर उसको बुक्स रिजेक्ट करनी है तो ऐसे केस में क्या होगा? द बुक्स विल बी रिजेक्टेड ओनली अंडर सेक्शन 145 में। पहले वो शो कॉज नोटिस देगा, वो आपको बताएगा कि कैसे मैं प्रॉफिट कंप्यूट, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि मैं प्रॉफिट कंप्यूट नहीं कर पा रहा हूं, तो उसके बाद ही वो बुक्स रिजेक्ट कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठ सकता है, यार बुक्स है क्या? बुक्स होंगी तभी तो रिजेक्ट होंगी। तो क्वेश्चन ये उठता है, बुक्स का मतलब क्या? तो सर सबसे पहले आपको मैं कुछ क्वेरीज बता देता हूँ। सर पहला क्वेश्चन, कैन अ डायरी और लूज पेपर सीज्ड कैन बी टर्म्ड एज अ बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या ये डायरी और लूज पेपर बुक्स अकाउंट माने जा सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, आप वीसी शुक्ला केस दिमाग में डाल लें और एक केस डाल लें सर सहारा। सर दोनों केस में, चाहे उसके बाद आप कोई भी केस में, इन केस में बात करें सर, लूज पेपर कभी बुक्स अकाउंट नहीं बन सकते। बट आई वॉन्ट टू से कि किसी के अगर लूज पेपर मिल गए तो बुक्स, लूज पेपर कभी बुक्स का नाम नहीं लिया जा सकता। बट डायरी बुक्स अकाउंट बन सकती है। बट डायरी बुक्स अकाउंट क्यों बन सकती है? क्योंकि वो बाउंड है। बट क्या डायरी भी बुक्स अकाउंट बन सकती है? बुक्स अकाउंट का एक्चुअली नॉमेनक्लेचर क्या है वो समझने के लिए लेट मी टेक टू वीसी शुक्ला। सर यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ये नोट करना बहुत जरूरी है। वो क्या बोलता है? अ बुक विच सक्सेसिव एंट्रीज ऑफ आइटम मे बी गुड मोमेंटम बुक, बट अंटिल दोज एंट्रीज आर टोटल्ड और बैलेंस्ड और बोथ एज द केस बी, देयर इज नो रेकनिंग। व्हाट आई वांट टू से, मान लीजिए आपने लिख दिया कि भैया स्वाति 10 लाख रुपए, रविंदर जी 5 लाख रुपए। अरे किस से आए, कब गए, किसको गए, कैसे चेक होगा, टोटलिंग कहाँ हो रही है, किस डेट में आए, कैसे गए, किस से आए थे? जब तक इस तरह की बात की लिखोगी वो बुक्स की शेप नहीं ले सकती। व्हाट आई वांट टू से, अगर आपने डायरी में प्रॉपर बुक्स की तरह एंट्री मारी हुई है तो बुक्स की शेप लेगा, बुक्स माना जाएगा। बट मान लीजिए आपको ये नहीं पता किस से आए, कहाँ गए हैं, तो ऐसे केस में ये बुक्स अकाउंट नहीं है। मैं क्लियर हूं आपको सर? राइट। नाउ सर बुक्स का मतलब जब 220 में देखते हैं तो बुक्स में बोलता है बुक्स और बुक्स अकाउंट इंक्लूड्स लेजर, कैश बुक, कैश बुक्स, डे बुक्स, अकाउंट बुक्स, अदर बुक्स, वेदर रिटन इन रिटन फॉर्म, सर प्रिंट आउट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन फ्लॉपी, अनदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डाटा स्टोरेज डिवाइस, ये सब बुक्स में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कई बार आपके दिमाग में ये भी आता है क्योंकि सर 68 में क्या लिखा हुआ है? सर बुक्स लिखी हुई है, बुक्स अकाउंट नहीं लिखे हुए। तो क्या दोनों में फर्क है? सर जैसे मेरे को बता दिया कि सर बुक्स और बुक्स ऑफ बुक्स बुक्स ऑफ अकाउंट दोनों एक ही चीज है एज पर सेक्शन 220। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बुक्स मैंने डिस्क्लोज नहीं की डिपार्टमेंट तो क्या होगा? हुआ क्या सर? एक जजमेंट है, इट इज इन रेफरेंस टू 271C, और इसको इसके लिए नहीं लगाएंगे। 271C में एक एक्सप्रेशन 5, एक्सप्रेशन 5 हुआ करती थी। उस एक्सप्रेशन 5 में क्या होता था कि मान लीजिए सर अगर बुक्स, अगर मान लीजिए हुआ क्या, एक बंदे के यहाँ सर्च हुई और सर्च पे दो तरह की बुक्स मिल गई। एक बुक्स उसने ऑलरेडी अपने ऑर्डर साहब को दिखाई हुई थी और जहाँ पे उसने सर बकायदा ऑर्डर को दिखाई हुई थी और बुक्स शो भी की हुई थी, और एक बुक्स अकाउंट उसने अपना सेपरेट अकाउंट उसका अपने लिए बनाया हुआ था। तो ऐसे केस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, ऐसे केस में क्या हुआ सर? वो बुक्स भी पकड़ी गई। जो बुक्स भी पकड़ी गई तो उसने बोला भैया ठीक है, आपने जो एडिशन कर दी, जो मैंने आपने जो टैक्स लेना वो टैक्स ले दिया। बट सर एक्सप्रेशन 5 ये बोलता था 271C के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर कोई एंट्री ऑलरेडी बुक्स के अंदर है तो ऐसे केस में 271C की पेनल्टी ले सकती। तो उसने आर्ग्यू किया कि सर देखिए मेरी ऑलरेडी बुक्स तो है, सारी कंडीशन बुक्स ही पूरी कर रही है, चाहे मैंने बुक्स आप बुक्स दिखाई नहीं है और उसके बावजूद सारी कंडीशन बुक्स अकाउंट ही पूरी कर रही है, तो ऐसे केस में मेरी एंट्री भी है उस बुक्स में, तो ऐसे केस में मुझ पर पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। तो सर यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला भैया ये जो बुक्स की बात कर रहा है 271C में, ये बात कर रहा है उन बुक्स की जो आपने गवर्नमेंट को दिखाई हुई है, जो आपने बुक्स गवर्नमेंट को नहीं दिखाई हुई है वहां पे 271C की पेनल्टी लगेगी। द केस वॉज शेरिटन अप्रैल केस 256 आईटीआर बॉम्बे हाईकोर्ट, ठीक है जी। बट अब क्वेश्चन दिमाग में आता है यार ये जो पासबुक है क्या ये बुक्स अकाउंट कंसिडर की जाती है? सर इसमें ना दो तीन जजमेंट्स है, एक है आपकी केस भाईचंद गांधी की है, भाईचंद गांधी सर बॉम्बे हाईकोर्ट। सर इस जजमेंट में, इस जजमेंट के अंदर क्या था सर? उन्होंने बोला पासबुक जो मेंटेन की है ये बुक्स मेंटेन बाय द बैंक है, जे सर एसएससी ने मेंटेन नहीं किया हुआ। और जब होता क्या है सर, जब पासबुक सप्लाइड बाय द बैंक टू द एसएससी इन द प्रेजेंट केस कुड नॉट बी रिगार्डेड द बुक्स ऑफ अकाउंट। बट उसके बाद दो दिल्ली आईटीटी की जजमेंट आई, जेना गोयल और एक आई जगदीश प्रसाद, जहां पर उन्होंने बोला भैया बुक्स अकाउंट आपकी पासबुक सर बुक्स अकाउंट मानी जाती है। क्वेश्चन ये उठता है
कि भैया क्या मेरा क्वेश्चन सबसे आप लोगों से ही है, क्या इसका फर्क पड़ता है कि पासबुक बुक है या नहीं, विल इट मेक एनी डिफरेंस? सिक्सटी एट भी नहीं होगा तो 69 में एडिशन कर देगा। मान लीजिए पासबुक को आपने बुक्स मान लिया तो एडिशन करेगा 68 के अंदर, राइट? अगर उसने पासबुक को बुक्स नहीं माना, पासबुक को बुक्स नहीं माना, तो ऐसे केस में 69 में एडिशन कर देगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो या फिर मैं अगर ऐसे आपको आर्ग्यू करूं कि मान लीजिए ऑर्डर में 68 लिखना था, गलती 69 लिख दिया, राइट? तो क्या आप ये बोल सकते हो दिस ऑर्डर इज बैड इन लॉ, इस ऑर्डर की कोई लीगल सेंटिटी नहीं? कैन यू से लाइक दिस? सो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर, जब जब आप ऑर्डर में गलती निकालोगे तो इनकम टैक्स वालों की एक मदर है, उसका नाम है सर 292B, वो गलता कोई भी छोटी मोटी गलती हो, चाहे समन में हो, चाहे नोटिस में हो, चाहे ऑर्डर में हो, वो गलती रेक्टिफाइबल है, कोई दिक्कत नहीं। पर लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर इसको चैलेंज करना है तो चैलेंज कैसे करोगे? तो अगर आपको पासबुक वाला पॉइंट अगर उठाना है तो आप ऐसे उठाइए सर, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर, जब जब एडिशन होगी, जब जब एडिशन होगी देयर हैज टू हैव शो कॉज नोटिस। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली आपसे कोई एक्सप्रेशन मांगेगी जो एक्सप्रेशन आपने दे दी, जब आप एक्सप्रेशन दे दी तो ऐसे केस में क्या होगा सर, उसने आपकी एडिशन करनी है तो शो कॉज नोटिस देगा। तो आपने अगर एक्सप्रेशन दी नहीं तो गेम खत्म है सर। अगर आपने कोई एक्सप्रेशन दे दी और उसको सेटिस्फेक्टरी है, मान लीजिए आपने केवाईसी भी दे दिया, क्रेडिट वर्थी टेस्ट भी दे दिया, जनरल भी दे दिया, से मैं लोन की और शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं, तो ऐसे केस में अगर उसको आर्ग्यू करना है, उसको एडिशन करनी है, तो वो शो कॉज देगा बाय गिविंग रीजंस कि मैं इसको नेगेट करता हूं और मैं क्यों ना आपकी एडिशन कर दूं। अब ऐसे केस में प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, जब उसने आपको जब शो कॉज देगा तो आपको ये चेक करना है, तो आपको ये चेक करना है कि उसने शो कॉज दिया नहीं दिया, पहला क्रम। अगर उसने शो कॉज आपको दे दिया तो ठीक, अगर शो कॉज नहीं दिया आपकी एक्सप्रेशन के बाद तो सर आपकी एडिशन वहीं पे खत्म हो जाएगी, गेम खत्म है सर। आपको व्हाट आई वांट टू से कि शो कॉज देना मस्ट है अगर आप अपना ओनस पूरा पूरा कर चुके हैं। मैं क्यों आपको सर, दूसरी बात सर, अगर मान लीजिए उसने एडिशन आपको अब शो कॉज दिया, अब शो कॉज में आपका क्वेश्चन ये देखना चाहिए कि भैया शो कॉज में उसने 68 लिखा या 69 नहीं लिखा। अगर मान लीजिए उसे 68 लिखना चाहिए था और आपने शो कॉज में उसने लिखा 69A और ऑर्डर में भी 69A लिख दिया, नाउ यू कैन आर्ग्यू कि सर जो शो कॉज दिया है वही गलत है। क्यों? जब तक देखिए हर सेक्शन की एक मर्यादा है, 68 का ओनस किसी और एसएससी पे है, 69A का ओनस सर एओ के ऊपर है, ये प्रूव करना पड़ेगा कोई एंट्री मिस हो गई है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट मैं क्यों आपको सर। तो ऐसे केस के अंदर आपको सर सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि सर उसने शो कॉज किस सेक्शन में दिया। व्हाट आई वांट टू से, अगर आपने मुझ पर चार्ज ही गलत लगाया है तो ऑफिस बात है उसका आंसर भी गलत होगा। क्यों आपको सर, जब आपने चार्ज गलत लगाया तो उसका आंसर भी तो गलत होगा सर। हर एक सेक्शन का अपना अपना दायरा है, अपने अपने एविडेंस की रिक्वायरमेंट है कि 68 की रिक्वायरमेंट अलग है, 69A की रिक्वायरमेंट अलग है। तो व्हाट आई वांट टू से, यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू कि सर यहाँ पे चार्ज ही मुझसे गलत लगाया, तो चार्ज आपने गलत लगाया, मैंने आंसर भी गलत दिया होगा, तो इसलिए 69A में एडिशन हुई है वो गलत हुई है। और सिर्फ अगर आप ऑर्डर को चैलेंज करेंगे दैट विल नॉट वर्क। तो जब आप पासबुक और इसको, पासबुक आपकी बुक्स है या नहीं, इसको जब आप डिफरेंशिएट करने की बात करोगे तो उसके लिए पहले आप सर चैलेंज करिए शो कॉज नोटिस को, ठीक है सर? क्लियर? नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए मुझे बुक्स बनानी थी, मेरी 3 करोड़ रुपए, 3.5 करोड़ की टर्नओवर थी, मुझे बुक्स बनानी थी, मैंने बुक्स नहीं बनाई, तो ऐसे केस में क्या मेरी 68 की एडिशन हो सकती है? बताइए आंसर यस और नो। तो ऐसे केस में देयर वाज अ बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ सर जे मुछला, आई वाज लुकिंग टू दैट जजमेंट, अरुण कुमार जे मुछला, CIT 2017 85 taxman.com, बॉम्बे हाईकोर्ट जजमेंट। उन्होंने बोला कि भैया एसएससी ने खुद गलती करी है, उसका फायदा वो नहीं उठा सकता। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर, सर यहाँ पे आप आर्गुमेंट ये नहीं ले पाओगे कि सर जब मैं बुक्स अकाउंट नहीं बनाता तो 44AA की पेनल्टी लगती है, 44AB की पेनल्टी लग सकती सर, वो सर क्वासी, जब पेनल्टी है वो क्वासी क्रिमिनल है, प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट। तो जब जब आपको पेनल्टी लगेगी तो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी प्रोसिक्यूशन भी हो सकता है, इसलिए डबल जियोपार्डी नहीं हो सकता। पर 68 की एडिशन इनकम टैक्स की एडिशन है, ये पेनल्टी नहीं है। तो जब इनकम टैक्स की आप बात करोगे तो ऐसे केस में सर ये आर्गुमेंट नहीं चल सकता कि जहां बोलोगे सर मैंने बुक्स अकाउंट तो बनाई नहीं, जब बनाई नहीं तो क्रेडिट का मतलब ही नहीं है। तो सर यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला यू कांट टेक द बेनिफिट ऑफ योर ओन रॉन्ग, तो अगर आपने खुद गलती करी है तो उसका फायदा नहीं उठा सकता। सेम बात सुधीर कुमार शर्मा HUF में सर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी बात बोली। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए जहां पे बुक्स मुझे प्रेजेंटिव बेसिस पे बनानी है, मान लीजिए मैं प्रॉफिट दिखाना है प्रेजेंटिव बेसिस पे, से मान लीजिए 44AD 44AE 44ADA, और यहाँ पे बुक्स अकाउंट नहीं बनानी है मुझे, तो ऐसे केस के अंदर क्या दिक्कत आ सकती है, एडिशन हो सकती है? आंसर इज नो, बिकॉज देयर वाज जजमेंट ऑफ सुरेंद्र पाल आनंद पंजाब हाईकोर्ट
शाह पर उन्होंने बोला बुक्स आपको बनानी ही नहीं थी, तो वहां पे सर 68 की एडिशन या क्रेडिट होने का मतलब है ही नहीं, राइट सर। नाउ अब क्वेश्चन उठता है व्हाट इज द स्टेटस व्हेन द बुक्स हैज बीन रिजेक्टेड। अब मान लो बुक्स रिजेक्ट हो गई, जैसे मैंने वो बताया, सबसे पहले तो एओ को काम करना पड़ेगा, कोशिश ऐसी करनी पड़ेगी एज इफ ये देखना पड़ेगा क्या मैं इसमें से प्रॉफिट कंप्यूट कर सकता हूं सही तरीके से, यस और नो। अगर वो इम्पॉसिबल हो जाएगा कंप्यूट करना, तो ऐसे केस के अंदर सर वो बुक्स रिजेक्ट कर देगा 145 में आफ्टर गिविंग शो कॉज। तो क्वेश्चन ही उठता है कि मान लो सारी चीजें करने के बाद इम्पॉसिबल हो गया कि प्रॉफिट कंप्यूट हो ही नहीं सकता, अब उसे बुक रिजेक्ट कर दी बाय गिविंग फॉलोइंग प्रॉपर प्रोसीजर। अब ऐसे केस में कैन एसएससी आर्ग्यू, ये बोल सकता है भाई कि भैया आप हॉट एंड कोल्ड दोनों के दोनों ब्लो नहीं कर सकते, कि ऐसा नहीं हो सकता पहले एक तो आपने बुक रिजेक्ट कर दी और मेरा प्रॉफिट एस्टिमेट कर दिया, और जब आप 68 की एडिशन करने की बात करोगे तो उस केस के अंदर इस बुक्स को कंसिडर कर लो, कैन यू से लाइक दिस। बताइए कौन कौन ये कह रहा है कि दोनों काम नहीं किया सकते, अगर आपने बुक रिजेक्ट कर दी तो 68 की एडिशन नहीं हो सकती। प्लीज मैं वेट कर रहा हूँ आपका आंसर, वेट कर रहा हूँ सर, अपने चैट पर प्लीज आंसर दीजिएगा, बताइए सर, वेट कर रहा हूँ आपका, आई जस्ट वेटिंग फॉर यू सर। लेट अस मेक इट इंटरेक्टिव सर, टारगेट ये इंटरेक्टिव बनाने का टारगेट है, टारगेट ये नहीं है कि मैं बोलता जाऊंगा और फायदा नहीं है, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ आपका। अभी एक ही आंसर आया, बताइए कौन कौन कह रहा है कि हॉट एंड कोल्ड अगर एक बार बुक रिजेक्ट हो गई तो गेम खत्म, अब 68 की एडिशन नहीं हो सकती। प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर, जो जो ये बात सोच रहा है वो गलत सोच रहा है कि हॉट एंड कोल्ड। तो नॉर्मली क्या होता है, हर बंदा ये बोलता है कैन द एओ ब्लो हॉट एंड कोल्ड ऑन द सेम टाइम, ये दो जजमेंट है, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट की आई थी बनवारीलाल बंसीधर 229/29, उन्होंने इस व्यू को सही माना था, इट इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ 40A3, फिर इस व्यू को आगे लेके गए अग्रवाल इंजीनियरिंग कंपनी में पंजाब हाई कोर्ट 302/IT/246 में, उन्होंने 68 की एडिशन ही हो गई। पर हुआ क्या, ये दोनों केस सुप्रीम कोर्ट की दो जजमेंट का ध्यान रखना भूल गए। वो दो जजमेंट कौन सी थी, एक था सुप्रीम कोर्ट इन काले खान मोहम्मद अनीफ 50 IT/1 और एक सुप्रीम कोर्ट इन देवी प्रसाद विश्वनाथ 72 IT/194। ये दोनों जजमेंट में उन्होंने बोला बुक्स ऑफ अकाउंट इवन दो रिजेक्टेड दे शुड नॉट बी मेंट to be worthless to make addition to 68. One has to suffer both. What I want to say, कि अगर मान लीजिए आपकी बुक रिजेक्ट हो गई है तो ऐसे केस में 68 की एडिशन हो सकती है। तो मोरल क्या है सर, मोरल द स्टोरी इज कि भैया ईच एंट्री हैज टू बी एक्सप्लेन्ड whether businessship या फिर अदरवाइज, अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे businessship नहीं है तो 68 में एडिशन हो जाएगी। सेम वॉज होल्ड इन इलाहाबाद हाईकोर्ट, इस जजमेंट के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक और जजमेंट आई जीएस तिवारी, जहां पे ये दोनों सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को उन्होंने रेफर किया 357 ITR/631, उन्होंने बोला भैया 68 की एडिशन हो सकती है। अब क्वेश्चन ही उठता है अगर 68 की एडिशन भी हो सकती है और आपने मेरे बुक रिजेक्ट करके एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट भी कर दिया, अब मान लीजिए इधर कोई पॉसिबिलिटी कि मान लीजिए आपने 50 लाख रुपए की मेरा प्रॉफिट कंप्यूट एस्टिमेट कर दिया और 25 लाख रुपए की मेरी 68 में एडिशन कर दी, तो मैं क्या आर्ग्यू कर सकता हूं कि भाई कि जो 25 लाख रुपए का जो अमाउंट है ना ये मेरे कहां से कमाया होगा सर, ये तो 50 लाख से तो कंप्यूट किया है जो 50 लाख आपने एस्टिमेट किया है, कैन आई आर्ग्यू लाइक दिस, क्या मैं टेलीस्कोपिंग कर सकता हूं। ट्राई टू अप्रिशिएट सर, इसके लिए 3-4 जजमेंट है वो आपको नोट कर लेना चाहे सर, आप कर सकते हो। क्या है सर, केस केएसएम गुरुस्वामी दादर एंड सन्स 149/IT/127 मद्रास हाईकोर्ट, जगत कुमार सतीश भाई पटेल 45 textbank.com 441 गुजरात हाईकोर्ट, एंड कुणाल मोटर्स 160 GTR/166 राजस्थान हाईकोर्ट, ये तीनों जजमेंट बोलती है सर आप टेलीस्कोपिंग कर सकते हो, टेक माय वर्ड्स। और टेलीस्कोपिंग सिर्फ यहां तक नहीं हो सकती सर, टेलीस्कोपिंग ये भी हो सकती है आपकी 2 साल पहले कोई बुक रिजेक्ट हुई है, कोई एस्टिमेट बेसिस पे आपका प्रॉफिट कंप्यूट हुआ है, अगर आप नेक्सस दिखा दो जो इस साल जो एडिशन हुई है, आप बोल सकते हो कि सर ये जो ये अमाउंट कौन सा होगा, ये अमाउंट तो वही वाला है जो मेरी 2 साल पहले या 3 साल पहले आपने एडिशन करी है, और उसके लिए कहीं ना कहीं नेक्सस दिखाना पड़ेगा। पर क्वेश्चन ये उठता है क्या ये थ्योरी जो मैं टेलीस्कोपिंग की बात कर रहा हूँ जहां प्रोजेक्ट कर दी, तो ऐसे केस के अंदर क्या ये हमेशा रह सकती है। नो सर, इसका एक कैवियट है सर, पहली बात पंजाब भट्टा हाईकोर्ट की जवेरीलाल बिहारीलाल एंड कंपनी 160 ITR/634, इन्होंने दो कैवियट दिए थे, कैवियट में क्या था, पहली बात सर ये आपका कोई मैटर ऑफ राइट नहीं है टू आस्क फॉर टेलीस्कोपिंग, दूसरी बात आपको ये चेक करना पड़ेगा ये कैश क्रेडिट जो एंट्री हुई है क्या ये पहले महीने में तो नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मेरी बुक रिजेक्ट हुई, उन्होंने प्रॉफिट एस्टिमेट कर दिया 50 लाख रुपए का, जब बुक्स मेरी आपने प्रॉफिट एस्टिमेट 50 लाख का कर दिया तो सर 50 लाख तो पूरे साल में कमाया होगा, तो इसका मतलब क्या है, मैं कह सकता हूं कि मान लीजिए मेरी क्रेडिट एंट्री आई से अप्रैल मई जून में, तो मैं बोल सकता हूं सर ये 25 लाख के तो प्रॉफिट मैंने पहले ही कमा लिया होगा, कैन आई से लाइक दिस, नो। तो ऐसे केस में आपको ये चेक करना पड़ेगा
जो एंट्री पहले महीने में आएगी तो उसके लिए टेलीस्कोपिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में अगर आपको टेलीस्कोपिंग करनी है तो आपको करनी पड़ेगी पिछले सालों से, अगर आप नेक्सस दिखा पाओगे। तो ऐसे केस में मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, 50 लाख का प्रॉफिट एस्टिमेट हुआ और 68 में एडिशन मान लीजिए 70 लाख की हुई, तो 70 लाख में 30 लाख रुपए तो हाइपोथेटिकली मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च में थी, बाकी 40 लाख रुपए मान लीजिए आखिरी महीने में, तो आप आखिरी वाला 40 लाख रुपए को आप टेलीस्कोपिंग करा सकते हो इस करंट एस्टिमेटेड प्रॉफिट से। अब क्वेश्चन ये उठता है सर सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है डीमोनेटाइजेशन पे, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन ये आएगा यार सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया सर, डीमोनेटाइजेशन अभी हुआ है 16 में, अभी तो केस खत्म हुए हैं, एक आध बस हाई कोर्ट में केस गया है जहां पे हाई कोर्ट ने बोल दिया है यू कांट ब्रश एवरीबडी फ्रॉम द यू कांट पेंट एवरीबडी फ्रॉम द सेम ब्रश, अगर ऐसा नहीं है कि 50 जगह एडिशन करती तो यहां पे पिटीशन हो जाएगी कैश की, बस एक आध हाई कोर्ट की हुई। अब आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा सकते, सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सुप्रीम कोर्ट आप जब भी जाएंगे फंडामेंटल राइट का ब्रीच होगा तभी जाएंगे, ये आपका कैश में कोई एडिशन हुई है ये फंडामेंटल राइट नहीं है, मैं क्लियर हूं आपको सर। तो ऐसे केस के अंदर आप मैक्सिमम हाई कोर्ट जा सकते हो दैट टू नोटिस के अगेंस्ट, मैं क्लियर हूं आपको सर। आप ऑर्डर के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते क्योंकि ऑर्डर केस आपके पास ऑलरेडी अल्टरनेटिव रेमेडी है तो आपको सीएटी अपील के रूट पे ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे केस में कहीं पे नोटिस के एंड पे कोई एडिशन हुई है या शोकॉज के एंड पे कोई एडिशन हुई है, तो ऐसे केस में अगर शोकॉज इस तरह का दिया है और उस केस में हाई कोर्ट गया है तो एक जजमेंट आई है, पर सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया, क्यों, क्योंकि सर अभी तो एडिशन हुई है, जब एडिशन हुई है तो अभी तो आप सीआईटी लेवल पे ही होंगे, तो आप सुप्रीम कोर्ट कहां से आ गया। तो सुप्रीम कोर्ट सर पहली बात तो आप दिमाग रख लें सर, डीमोनेटाइजेशन पहली बार नहीं हुआ है सर, इससे पहले भी दो बार हो चुका है, एक 1946 में हुआ था और एक 1978 में हुआ था। ये तीन जजमेंट्स की बात करूंगा, तीनों जजमेंट रेलिवेंट है और तीनों जजमेंट 1946 से रेलिवेंट है, ट्राई टू अप्रिशिएट राइट, और इसका रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तीन जजमेंट आई, पहली जजमेंट आई मेहता पारेख एंड कंपनी 30 ITR 181 और एक है लालचंद भगत अंबिका राम 37 ITR 288। सर मेहता पारेख में क्या हुआ वो केस समझ ले सर, इस केस में क्या हुआ सर, व्हाट हैपेंड, मेहता पारेख के अंदर सर एसएससी ने कैश डिपॉजिट किया करीबन 61,000 रुपए, उसके बुक्स अकाउंट में करीबन सर 18,000 था पहले से, और हुआ क्या जब केस हुआ 31 दिसंबर को उसने बोला मेरा 18,000 कैश इन हैंड है, तो सर उसने बोला 61,000 उसने जमा करा दिया। अब क्या हुआ सर, एसएससी ऑफिसर उस टाइम पे थोड़े से रीजनेबल हुआ करते थे, उन्होंने बोला यार जितनी सेल उसने दिखाई है अगर सारी सेल भी मैं 1,000 रुपए के हिसाब से मान लूं तो भी मैक्सिमम 31,000 बनते हैं, तो 31,000 रुपए इसने जमा करा, मैं 31,000 तो मानता हूं 61,000 रुपए नहीं मानता, ये पहला केस। लालचंद भगत राम अंबिका राम में क्या हुआ सर, उसके कैश इन डाला था 20,000 रुपए और 21,000 रुपए उसने बोला जी मेरा एक अलमारी अकाउंट है और उसे कैश जमा किया था 2,91,000, उसका उसने बोला एक मेरा अलमारी अकाउंट है जहां पे 2,80,000 पड़े हुए हैं, तो 2,80,000 प्लस 21,000 कितने हो गए 3,01,000, तो उसने बोला उसमें से मैंने 2,91,000 जमा करा दिए। सर यहाँ पे भी एसएससी ऑफिसर थोड़ा शरीफ थे और उन्होंने वो रीजनेबल ग्राउंड लेते, उन्होंने बोला भैया मैंने सारे हिसाब के साथ लगाया मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तो हो सकता है पर 2,91,000 भी नहीं हो सकता, और बुक्स दोनों केस में रिजेक्ट ही करी। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला द एसएससी मस्ट सक्सीड इन बोथ द केसेस बिकॉज द कैश जो अपीयर हुआ बुक्स अकाउंट में वो एक्सेप्ट किया गया, पार्ट कैश इज एक्सेप्टेबल। द सुप्रीम कोर्ट ये नहीं बोल सकता एक तरह तो आप कैश एक्सेप्ट कर लो और जब आपको रिजेक्ट करना हो तो आप बोलो इसी बुक्स पर मैं रिलाई नहीं करता, तो जिस बुक्स पे आप रिलाई करके जिस बुक्स को आप एक्सेप्ट करके अगर पार्ट कैश एक्सेप्ट कर रहे हो तो ऐसे केस में उसी बुक्स को अनरिलाई करके आप बुक्स को आप बाकी पार्ट कैश को रिजेक्ट नहीं कर सकते। सर यही हमारे केसेस में हुआ है, हमारे केसेस में बुक्स अकाउंट रिजेक्ट नहीं हुई है, मैं जो बात कहना चाहता हूं जब आपने बुक्स अकाउंट को ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया तो आप ये कैसे बोल सकते हो सर ये कैश आपका नहीं था, आपने सब कुछ ओके कर दिया, मेरी सेल्स भी आपकी परचेज भी ठीक है, स्टॉक भी ठीक था, मेरा वैट रिटर्न भी ठीक है, मेरी वैट की असेसमेंट भी ठीक है, स्टॉक रजिस्टर भी ठीक है, अब सब कुछ आपने मान लिया, अब आप बुक्स रिजेक्ट भी नहीं कर दी, तो ऐसे केस में कैन समबडी से लाइक दिस कि भैया नहीं मैं बाकी कैश नहीं मानूंगा इतना मानूंगा। सर ये दोनों जजमेंट आपको हेल्प करेंगे, बट देयर वाज अ कंट्री जजमेंट आल्सो, वो था सर श्री लेखा बैनर्जी केस 249 ITR 112। इन दोनों जजमेंट पर रिलाय करके इस लेडी ने क्या किया, 51,000 अपने बुक्स में जमा करा दिए थे, और हुआ क्या इस केस में फर्क क्या था सर, बुक्स वाज रिजेक्टेड और एक रुपया भी सर एसेसिंग ऑफिसर ने एक्सेप्ट नहीं किया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंशिएट किया सर व्हाइल डिस्कसिंग दीस टू अबव केसेस, उन्होंने बोला सुप्रीम डिसीजन द केस दैट इन द प्रीवियस टू केसेस द पार्ट ऑफ कैश इज रिजेक्टेड और बुक्स भी रिजेक्ट नहीं हुई थी, पर आपके केस में
बुक्स भी रिजेक्ट हो गई है और पार्ट कैश भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है. व्हाट आई वांट टू से, जहां पे तो इस तरह की बात आएगी तो वहां तो दिक्कत आएगी, पर जहां पे आपने बुक्स रिजेक्ट नहीं करी है और पार्ट कैश भी एक्सेप्ट कर लिया है जैसे हमारे यहाँ हुआ है, तो ऐसे केस में ये ऊपर वाले दोनों जजमेंट आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है सर. नाउ अगला क्वेश्चन. सर क्रेडिट डिस्कस कर लिया, बुक्स रिसीव, अब एनी प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ऐसे समझ लें सर, सेक्शन 3 समझाता है कि प्रीवियस ईयर कहते हैं वो द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर. अब इस केस में दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट है सीआईटी वर्सेस उषा स्टट एग्रीचर फॉर्म्स 2009 में आया था. उन्होंने बोला सिंस इट इज द फाइंडिंग ऑफ फैक्ट रिकॉर्डिंग द सीआईटी अपील दैट द क्रेडिट बैलेंस अपीयरिंग द बुक्स ऑफ रिसीव डज नॉट पर्टेन टू द ईयर अंडर कंसीडरेशन. व्हाट आई वांट टू से, जहां पे मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है और वहां पे आप इस साल में एडिशन नहीं कर सकते. व्हाट आई वांट टू से, जिस साल में क्रेडिट होगा उसी साल में आप एडिशन कर पाओगे. सर ये सेम आर्गुमेंट आप सर जो आपको ओपनिंग कैश के लिए भी ले सकते हो, ये वाला केस लो आपको वहां पे भी हेल्प करेगा. और साथ ही साथ मान लीजिए हाइपोथेटिकली ऐसे मान लेते हैं कि लेट अस थोड़ा डिविएट हो रहा हूं, मान लीजिए शेयर कैपिटल या लोन की बात कर रहा हूं. मान लीजिए आपके यहाँ सर बुक्स में तो क्रेडिट आपने मार्च में कर लिया पर वो एंट्री आपको 4 अप्रैल या 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को आपकी बुक्स अकाउंट में आपकी बैंक में आई. पॉसिबिलिटी हो सकती है आपने 31 मार्च को तो डाल दिया पर आपके पास बुक में बैंक में क्रेडिट हुआ सर 5 अप्रैल को. तो ऐसे केस में वन जजमेंट विच सेज सर सत्प्रकाश 140 ITR 800 दिल्ली हाईकोर्ट, उसने बोला भैया जब बुक्स में आप क्या डालते हो, क्रेडिट कब करते हो विल नॉट मैटर. मैटर क्या करता है कि आपके पास अवेलेबल कब है वो बैलेंस, वो सरफेस कब हुआ है, फंड्स अवेलेबल कब है. फंड्स अवेलेबल हुई है 5 अप्रैल को तो सर जो क्रेडिट कब माना जाएगा अगले साल. तो इसका मतलब इसकी एडिशन अगले साल हो सकती है, पिछले सालों में एडिशन नहीं हो सकती. सर इसका केस वाइजा वर्षा भी है. सर मान लीजिए आपकी बैंक में तो पहले साल जमा हो गई पर आपने रिकंसिलिएशन में एंट्री अगले साल में डाली तो ऐसे केस में सर आपकी क्रेडिट एंट्री मानी जाएगी जिस साल में आपके बैंक में क्रेडिट हुआ है. क्यों आपको सर बुक्स में आप कब डालते हो विल नॉट मेक एनी डिफरेंस, राइट सर. अब अगला क्वेश्चन आता है सर कैश डिपॉजिट आउट ऑफ प्रीवियस कैश विड्रॉल्स और ओपनिंग बैलेंस. तो सबसे पहले तो आप ये आर्गुमेंट दिमाग में डाल ले चाहे सेल्स हो चाहे जो मर्जी हो, जिसके लिए मैं आपको एक घंटे समझाता हूँ फिर बताता हूँ मैं आर्गुमेंट क्या लेना चाहता हूँ और मैं कैसे चाहता हूँ कि आप लो. तब मेन दिमाग में डालने कि अगर आप ये आर्ग्यू करेंगे कि सर 8 नवंबर को 8 बजे के बाद मैंने इतनी अमाउंट की सेल कर दी, जैसे हुआ क्या मेरे केस में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड कि मैं आई वाज एट मैं किसी एडिशनल कमीशन में बैठा हुआ था तो मैं बात कर रहा था सर प्री पॉन्ड्रेस और प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा था. मैंने सर प्री पॉन्ड्रेस में अगर पेनी स्टॉक की बात करो तो उस केस में क्या हो रहा है कि सर सारी की सारी जो सारे की सारे केसेस में आप क्या कर रहे हो कि सर मेरे स्टॉक एक्सचेंज से पेपर है, सर मैंने डीमैट में शेयर किए हुए 1 साल पुराने से और जो मेरा स्टॉक एक्सचेंज से कोई लेना देना नहीं है, ब्रोकर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जिस जो कंपनी है उससे कोई लेना देना नहीं है, मैंने बकायदा बिट डाली है, मैंने शेयर बेचे हैं, पैसे सारे मेरे अकाउंट में आए हैं और 1 साल की पूरी होल्डिंग है तो अच्छा प्रॉफिट भी दिखा रहा है, डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहा है तो प्री पॉन्ड्रेस कैसे हो गया. सर ये प्री पॉन्ड्रेस तब होता है जब मैं डॉक्यूमेंट कुछ अपने कुछ फेक बना रहा हूं जो दुर्गा प्रसाद मोरे के अंदर या फिर जहां पे सुमति दयाल के अंदर जो इशू थे जहां पे परचेज की कोई मतलब ही नहीं था, मेरी परचेज भी ओके है. तो उन्होंने बोला नितिन तू इससे छोड़ डिमोनेटाइजेशन डिस्कस करते. मैंने जी क्या हो गया सर, कहता है एक व्यक्ति ने 8 नवंबर को 8 बजे के बाद 8 करोड़ की सेल कर दी. सर उसमें क्या दिक्कत है, ज्वेलरी की सेल कर सकता है, क्या दिक्कत है. सर स्टॉक की दिक्कत थी क्या, कहता स्टॉक भी पूरा है. लेकिन कहता क्वेश्चन ये है दुकान उसकी 8x8 है, कोई नौकर है नहीं, अकेले काम दिखा रहा है, कोई इंप्लॉय नहीं था. ऐसे केस में सारे बिल 2 लाख से कम भी काटे हैं. जब 2 लाख से कम के काटे हैं तो इसका मतलब तो मोटा मोटा करीबन 400 से 450 बिल होंगे तो एक बिल काटने में कम से 5 मिनट लगेंगे. तो मुझे ये बता भाई ये 8 नवंबर को इतनी सेल कैसे हो सकती है जब आपका स्टाफ ही नहीं है और 8x8 में कितने लोग खड़े हो जाएंगे. मैंने सर आपका पॉइंट वेल्ड है, बात सही कह रहे सर. व्हाट आई वांट टू से, अगर आप ये आर्ग्यू करने की कोशिश कर रहे हो कि सर मेरी सेल हो सकती है कोई दिक्कत, जो मैंने स्टैटिस्टिकल डाटा की बात की, सर आर्ग्यू कुछ इस तरह से करें. आर्ग्यू करना वही है पर करना थोड़ा डिफरेंट तरीके से. करना क्या है, आपने बोलना है सर मेरा ओपनिंग कैश कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सेल्स आपने मान ली है, ये मेरा खर्चा है कोई दिक्कत नहीं, तो मेरा 8 नवंबर को ओपनिंग कैश क्या होगा. सर ओपनिंग कैश प्लस जो मैंने सेल हुई है या फिर मेरी डेटर से रिकवरी होगी माइनस जो मैंने खर्चा कर दिया होगा, तो मेरा सर ओपनिंग कैश होगा 8 नवंबर, वो मैंने आपको जमा करा दिया. सर ये आर्गुमेंट करें, बनना वही बात है पर आर्ग्यू आपको डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा. अगर आप सेल सेल बोलते रहोगे कि सर सेल हो सकती है, सेल हो सकती है, सर यहां दिक्कत आएगी. आपको बोलना पड़ेगा सर ओपनिंग कैश में कहीं दिक्कत नहीं है, मेरी सेल जो मैंने करी है कैसे है उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, डेटर की रिकवरी में कहीं दिक्कत नहीं है, जो मैंने खर्चा किया उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है. तो इसका मतलब मेरा सर क्लोजिंग कैश क्या होगा एज ऑन 8 नवंबर, दैट इज कैश
ओपनिंग कैश एज ऑन 31 मार्च प्लस जितने पूरे साल में रिकवरी हुई 8 नवंबर तक, उसके बाद जितना खर्चा हुआ तो वही तो मेरा क्लोजिंग कैश मैंने जमा करा दिया। तो ये आर्गुमेंट आपको लेना पड़ेगा। लेकिन होता क्या, इसमें आपको बताया, यह प्लीज लेटर अप्रिशिएट कीजिएगा सर, ओनर्स एसएससी के ऊपर होगा कि जितना लंबा कैश रखा है ओनर्स उसके ऊपर है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए आप बोलोगे मेरा 3 साल पुराना मैंने कैश विड्रॉ किया था या 2 साल पहले विड्रॉ किया था, तो 2 साल आप कैश क्यों लेके बैठे हुए थे? तो सर आप कोई ना कोई स्टोरी बतानी पड़ेगी और ऑलरेडी स्टोरी आप बता चुके होंगे। और प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट वो स्टोरी का मतलब। मान लीजिए आपने बोला जी मेरे घर पे मेरे बेटे की शादी होनी थी, मैंने कैश विड्रॉ कर लिया। और ऐसे केस में अगर तो बेटे की शादी नहीं हुई फिर तो ठीक, पर अगर मान लो उन उन्हीं सालों में उन साल के बिटवीन में बेटे की शादी हो गई तो ये माना जाएगा आपने कैश खर्च कर दिया। आप कल को ये नहीं आर्ग्यू कर सकते कि सर वो कैश मैंने खर्च ही नहीं किया था, खर्च किया तो मैंने यहां से खर्च किया था। ऑलरेडी पॉइंट, तो कोई ऐसा चीज जो ऑलरेडी आपका काम ना हुआ हो वो अगर आर्गुमेंट लेंगे तो आप केस जीत जाएंगे, अदरवाइज यह माना जाएगा आपने। मान लीजिए आप बोल रहे जी मैंने बिल्डिंग बनानी थी और बिल्डिंग एक्चुअली बन भी गई, फिर आप उसके बाद बोलो जी मेरा जो कैश विड्रॉ किया था वो मैंने खर्च नहीं किया, सर ये आर्गुमेंट नहीं चलेगा। पर आपने बिल्डिंग बनानी थी, बिल्डिंग नहीं बन पाई किसी रीजन से, तो ऐसे केस में ये आर्गुमेंट चल जाएगा। दूसरी बात सर, सर बर्डन ऑफ प्रूफ अकेले आप पे नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ सर एसएससी के एओ के ऊपर भी है। एओ को ही प्रूफ करना पड़ेगा भाई ये कैश एक्चुअली खर्च भी हो गया। बट आई वांट टू से पहले आपको अपनी फैक्ट्स बताने पड़ेंगे, मैंने किस काम के लिए कैश निकाला, क्यों वो खर्च नहीं हो पाया। उसके बाद सर द बर्डन विल बी शिफ्टेड टू एसएससी ऑफिसर, जिसको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि भैया ये खर्च हो चुका। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आपने बोला जी मैंने घर के खर्चे, मैंने घर में शादी थी उसके लिए निकाले थे और घर में शादी हुई थी, तो ऐसे केस में एसएससी ऑफिसर बोलेगा भैया ये देखिए आपने जिस काम के लिए निकाला वो फंक्शन हुआ भी था, आपके घर पे शादी भी हुई थी, तो ये अज्यूम कर रहा हूं मैं ये खर्चा हो गया, नाउ ओनर्स हैज बीन सर ओनर जो बर्डन प्रूफ है वो उसने डिस्चार्ज कर दिया। मैं क्यों आपको सर नाउ ये पंजाब हाई कोर्ट 2-3 जजमेंट है। यहाँ पे 51,000 रुपए एक लेडी ने किसी वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में सरेंडर किए थे, उस लेडी की डेथ हो गई, उसकी 2 बेटियां थी, उन्होंने आधे आधे करके जमा करा दिए। तो सर वहां पे सर पंजाब हरियाणा कोर्ट ने बोला भाई कहीं कोई दिक्कत नहीं जब ऑलरेडी प्रूफ है। कुलवंत राय का जजमेंट था जहां पे सर उन्होंने बोला नो मटेरियल हैज बीन रिलाइड अपॉन बाय द एसएससी ऑफिसर और कमिश्नर बिट टू सपोर्ट देयर व्यू दैट द एंटायर कैश विड्रॉल हैव बीन स्पेंट बाय द एसएससी एंड अकॉर्डिंगली। मतलब सर अब सर ओनर्स उनके ऊपर है, उनको प्रूव करना है कि भाई मैंने ये पैसे खर्च कर दिए हैं। देखिए सर दिल्ली आईटीटी क्या बोल रहा है, मेनली बिकॉज देयर वाज अ टाइम गैप बिटवीन विड्रॉल ऑफ कैश एंड कैश डिपॉजिट एसएससी कुड नॉट रिजेक्टेड, और जब यहां पे फाइंडिंग ना हो कि भैया पैसे एक्चुअली खर्च हो चुके हैं किसी और पर्पस के लिए, तो ओनर्स इज ऑन द डिपार्टमेंट। अब एक क्वेश्चन उठता है, अब अगला क्वेश्चन ये आता है, देयर इज सम इज फॉर्मुलेटिंग द बुक्स ऑफ एसएससी मेंटेन द प्रीवियस ईयर विद नो एक्सप्लेनेशन, द एसएससी ऑफर नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स देयर ऑफ। अब इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए जब हम बात करते हैं 68 की, तो 3 चीजें बात करते हैं नॉर्मली सर, केवाईसी क्रेडिटवर्थीनेस और आपका जेन्युइननेस, 3 चीजें बात करते हैं, एंटिटी क्रेडिटवर्थीनेस जेन्युइननेस। तो क्वेश्चन ये उठता है क्या जब मैं कैश सेल करूंगा, जब मैं सेल करूंगा क्या उस टाइम पे भी मुझे तीनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी? सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट दिस अ डिफरेंस बिटवीन शेयर कैपिटल लोन एंड सेल्स। सर शेयर कैपिटल में जब बंदा कोई इन्वेस्ट करता है तो ऑफिस बातों से डिविडेंड की चाह है, तो कोई जो बंदा मेरा जानकार होगा वही इन्वेस्ट करेगा, अनलेस इट इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं हुई, राइट सर। ऐसे ही जो लोन वही देगा जो अनसिक्योर्ड दे रहा है, तो उसको इंटरेस्ट की चाहत है, उसको ये चाहता है लोन भी मेरा रहे, तो मेरा जानकार ही देगा। तो जो काम मैं शेयर कैपिटल केस में या लोन के केस में कर सकता हूं वो मैं सर सेल्स में नहीं कर सकता। व्हाट आई वांट टू से, मान लीजिए मेरी कोई ब्रेड पकौड़े की दुकान है और मान लीजिए प्रदीप जैन साहब मान लो दिख रहे हैं मुझे, प्रदीप जैन जी की बात कर लेता हूं, प्रदीप जी मेरे पास आए और प्रदीप जी को मैं बोल सकता हूँ मान लो मैं ब्रेड पकौड़ा 100 रुपए का बेचता हूँ, उन्होंने बोला दिन एक ब्रेड पकौड़ा दियो, तो क्या मैं पहले बोलूंगा पहले वाउचर निकालूंगा इनसे साइन कराऊंगा चलिए ब्रेड पकौड़ा खाने लगेंगे? मैं बोलूंगा ना, पहले भाई साहब अपना पैन कार्ड दो और अपना आधार कार्ड दो, राइट, और साथ में रिटर्निंग कॉपी भी दो, ये प्रूव करने के लिए कि भैया आप सही महीने में ये 100 रुपए का खर्चा कर सकते थे। कैन आई सी लाइक दिस? आंसर इज इम्फेटिक नो। सीधी बात है सर, जहां पे मैं कैश सेल कर रहा हूँ वहां पे इतना बड़ा ओनर्स उस पर क्रिएट नहीं किया जा सकता, अगर ऐसे होगा तो बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा, मार्केटिंग पॉइंट। और जरूरी नहीं है आज बेटा बड़ा प्रदीप मेरे यहाँ खा रहे, कल वो किसी और क्या खा रहे। अब देखिए सर, डिपार्टमेंट पहले क्या मांगता है, एसोसिएट्स पहला पेमेंट टू होटल और रेस्टोरेंट अगेंस्ट अ बिल और बिल्स एट एनी वन टाइम। मान लीजिए अगर आपने कोई रेस्टोरेंट में पेमेंट की तो 50,000 से ऊपर, पेमेंट इन कनेक्शन विद ट्रैवल और एनी फॉरेन कंट्री या फॉरेन करेंसी तो 50,000 से ऊपर, सेल ऑफ परचेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी 10 लाख से ऊपर और कोई गुड्स एंड सर्विसेज 2 लाख से ऊपर। तो ऐसे केस में यहाँ पे तो पैन की रिक्वायर्ड मांग रहा था। व्हाट आई वांट टू से, जब आप गुड्स एंड सर्विस बेच रहे हो और 2 लाख से कम है,
सर मेरा डिपार्टमेंट 114B में बोल रहा भाई मुझे पैन नंबर की जरूरत नहीं है। जब पैन नंबर की जरूरत नहीं है तो ऐसे केस में क्या क्या मैं अपने अपने पार्टी को हो सकता हूँ कि तुमको पैन नंबर देना जरूरी है? आंसर इज इम्फैटिक नो। राइट नाउ जजमेंट ऑफ ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट वर्सेज आरबी जसाराम फतेहचंद, ये हर जगह यूज होती है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर और इससे बेटर जजमेंट अभी तक कोई नहीं आई। उन्होंने बोला एसएससी इज नॉट बाउंड टू मेंटेन नेम एंड एड्रेस ऑफ द बायर इन कैश सेल इन केस ऑफ कैट ऑनरशिप डिलीवरी ऑफ गुड्स टेकन अगेंस्ट द पेमेंट। मान लीजिए मैंने कोई माल बेचा, मैं बैट पकड़े बेच रहा हूँ और मैंने सर कैश ले लिया, इट इज हार्डली नेसेसरी फॉर द सेलर टू बॉदर अबाउट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द परचेसर। मुझे कोई लेना देना नहीं है। एज टू द कंसेशन जहां पे क्वांटिटी, जैसे मैंने बैट पकड़े बेचे जितने मैंने क्वांटिटी बताई उसमें झगड़ा नहीं है, उसके रेट में कोई झगड़ा नहीं है कि किसी को सस्ता दे दिया किसी को महंगा दे दिया, तो ऐसे केस में सर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साथ के साथ उन्होंने एक बात और बोली, उन्होंने बोला देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन व्हाटसोएवर फॉर द एससी टू हैव मेंटेन द एड्रेस ऑफ द कैश कस्टमर्स। सर आपने नाम पहली बात तो नाम भी मेंटेन कर लेती है, पर अगर आपने नाम मेंटेन कर लिया एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्यों आपको सर नाउ सर सेम बात किशोर जयराम भी बोलता है, बट कुछ जजमेंट्स अभी हाल फिलहाल में आई है वो थोड़ी सी नेगेटिव है, वो भी जानना जरूरी है। जजमेंट ऑफ जेएमजे एसेंशियल ऑयल्स 415 ITR 7 सर इट इज द रेफरेंस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। सर यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ये जो जेएमजे है सर ये फार्मा कंपनी थी, इन्होंने सैंपल्स के नाम पे 1.5 करोड़ रुपए की सेल दिखा दी मार्च के महीने में, और जब इसकी सीसीएट में एडिशन कर दी और सीसीएट में एडिशन करने के बाद सर ये केस सर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट तक पहुंच गया। तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बोला कि भैया अगर कोई सेल सस्पिशियस है तो सीसीएट में एडिशन हो सकती है। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है सर, यहाँ पे इट वॉज नॉट प्रॉपरली आर्ग्यूड अपॉन दैट कि सर जब आपने सेल्स की एडिशन कर दी डबल एडिशन कैसे हो जाएगी, जब ऑलरेडी आप सेल मान रहे हो सर डबल एडिशन नहीं हो सकती। दूसरा सर सेम बात पंजाब हाईकोर्ट 51 टेक्स्ट मैन में बोल दिया, इट वाज हेल्ड वेदर एसएससी वाज अपीयर टू बी सस्पिशियस सेक्शन 68 कैन बी इन्वोक। अभी एक रिसेंटली मुंबई आईटीटी की जजमेंट है चंपालाल शाह 86 टेक्स्ट मैन 258। अब हुआ क्या इस केस में, क्या हुआ सर, एक व्यक्ति ने सर करीबन 48 करोड़ करीबन 73 लाख रुपए का, फिगर में छोटा मोटा फर्क हो सकता है, 73 लाख रुपए का गोल्ड परचेस किया जिसको 49 करोड़ 11 लाख या 12 लाख रुपए का बेच दिया। तो मोटा मोटा जो प्रॉफिट आया वो 0.1% या 0.5% 4 या 5% ऐसे कुछ आया। तो ऐसे केस में उसने प्रॉफिट दिखाया। अब ऐसे केस में सर एओ ने कुछ वर्किंग करी और 49.81 की पूरी 41.12 है उसको सबको सारा अमाउंट 68 में डिफिन कर दिया और प्रॉफिट वैसे इंटैक्ट रहने दिया। केस वेंट टू सीएटीपील, सीएटीपील में क्या किया उसने बुक रिजेक्ट कर दी और रिजेक्ट करने के बाद उसने बोला जीपी 0.2% या 0.3% नहीं होना चाहिए तो 5% होना चाहिए, 5% जीपी में उसकी एडिशन कर दी। अब क्या हुआ सर, इधर से एसएससीबी इधर से डिपार्टमेंट दोनों के दोनों आईटीटी चले गए, पर डीआर ने वहां पर चिल्लाना शुरू किया सर ये जितनी भी एंट्री ली हुई है ना जितनी भी सेल करी है ये सारे के सारा वो व्यक्ति हवाला ऑपरेटर है, वो मनी लॉन्ड्रिंग के बिजनेस में है। और मैंने आपको बताया 37 ITR में क्या लिखा था, अगर कोई काम गलत कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम मेरे साथ जो भी किया वो भी गलत है, बट सर आईटीटी निगोशिएशन से नहीं उन्होंने एडिशन कर दी। तो प्रॉब्लम कहां पे है सर, ऐसा नहीं हो सकता दो एडिशन नहीं कर सकता, अभी हम डिस्कस भी करेंगे। क्या ऐसा भी होता सेल की वैसी वैसी खड़ी रहे, सेल की एडिशन तो आपने कर दी पर साथ ही 68 की एडिशन हो सकती है, पर ये दिक्कत है। बट आई वॉन्ट टू से अगर कोई इस तरह का कोई एवरमेंट मिल जाता है, एवरमेंट मिल जाता है जहां पे आपने सर जिसने आपके एसएससी ने जिससे सेल परचेस करी है वो हवाला का काम कर रहा है या एंट्री ऑपरेटर का काम कर रहा है तो वहां पे दिक्कत आएगी। अब जैसे NRA RN की बात कर रहा हूं मैं आपको, दो NRA RN इज एप्लीकेबल टू शेयर कैपिटल केस। सर बॉम्बे हाईकोर्ट की दो जजमेंट भी आ चुकी है जहां पे उन्होंने बोला इट इज ओनली एप्लीकेबल टू शेयर कैपिटल, विल नॉट बी एप्लीकेबल टू लोन केसेस। बट सर टाइम बहुत दूर नहीं है जहां पे सर इस तरह की कोई एडजस्टमेंट वाला काम या फिर कोई किसी ने किया होगा तो उसको दिक्कत आएगी सर। नाउ अब जब आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब हम आर्ग्यूमेंट करते हैं कि सर मे बी चार्ज टू इनकम टैक्स का मतलब क्या, व्हाट डज इट मीन कि क्या जो आपने कैश सेल में जो डिपॉजिट किया है क्या डबल एडिशन हो सकती है, तो उसमें सर देयर वाज जजमेंट है केरला हाई कोर्ट का 7 मार्च 2019 को आया, बहुत अच्छा जजमेंट है। इसने बोला इन दिस केस व्हाट इज द नेचर ऑफ इनकम, इज इट बिजनेस इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम और एनी सोर्स ऑफ एनोनिमस इनकम। तो सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इन पांचों हेड्स में से इनकम कहां पे फॉल करता है, क्या ये बिजनेस इनकम है, क्या ये सैलरी इनकम है, क्या ये सर सैलरी है, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है, क्या ये कैपिटल गेन्स है, क्या ये IUS में है। अगर इन पांचों हेड में से कहीं पे इनकम नहीं बनी उसके बाद ही आप 68 या 69 की फैमिली में जाएंगे। मैं क्लियर हूं आपको सर, तो सर
समय का चक्कर उल्टा भी घुमा सकते हैं आप, पहले 68 या 69 की धर्म में देख लो, उसके बाद यहाँ पे आओ, पहले इन पांचों हेड में चेक करना पड़ेगा, उसके बाद या 68 या 69 की फैमिली में जाएंगे। और ओनर्स डिपार्टमेंट के ऊपर है, जहां पे एसएससी ने ऑलरेडी दिखा दी मेरी सेल्स है, तो ऐसे केस में ओनर्स ऑफ डिपार्टमेंट के ऊपर है टू प्रूव इट कि भैया ये सेल्स नहीं है, कुछ और है। मैं क्लियर हूं आपको सर? अब एक बार दिमाग में आपको क्वेश्चन ये भी आएगा, सर एडिशन तो कर दी जैसे हमने बताया, अभी हम डिस्कस करेंगे, चलिए थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं, छोड़ देते हैं राइट नाउ। अब गुजरात हाईकोर्ट का एक सुप्रीम कोर्ट सॉरी गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट है सीआईटी वर्सेस विशाल एक्सपोर्ट्स ओवरसीज लिमिटेड, ये अनरिपोर्टेड केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस में क्या हुआ सर, एक 70 लाख रुपए की सर सेल करी और 68 में एडिशन कर दी, तो जहां पे उन्होंने आर्ग्यू किया सर ये बोगस सेल्स है, तो ऐसे केस में गुजरात हाईकोर्ट ने बोला अगर ये बोगस सेल है तो सर आप 68 में एडिशन नहीं कर सकते। मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज सर, अगर एटीआईबी का कोई बेनिफिट लिया हुआ है उसका बेनिफिट आप डिनाई कर सकते हो, पर सेल्स तो सेल्स रहेगी जब आप बाकी चीजें प्रूफ नहीं कर पाए तो सेल्स मानी जाएगी राइट। देन देयर वाज कैलाश ज्वेलरी हाउस, उसमें 24,58,400 का, इसमें सेल उसने बात बोली कि अगर आपकी सेल में सेल्स दिखा चुके हो और डिपार्टमेंट कुछ प्रूफ नहीं कर पाया तो ऐसे केस में आप सेल्स की एडिशन को 68 में एडिशन नहीं कर सकते। सेम जजमेंट है दिलीप प्रसाद विश्वनाथ का 72 ITR 194, जहां पे उसने बोला इफ द एससीए हैज एक्सप्लेन दैट आइटम इज ऑलरेडी एक्सप्लेन सब्जेक्ट टू टैक्स देन द सेम कांट बी टैक्स्ड अंडर सेक्शन 68। सर ये स्मॉल पैसेज लास्ट में लिखा हुआ था, एक हर्षिला चोरडिया केस है राजस्थान हाईकोर्ट का 298 ITR 349, उन्होंने बोला सेल्स कैन नॉट बी अंडर एडेड अंडर 68 एज एससीए हैज ऑलरेडी ऑफर्ड द सेम एज इनकम अंडर द हेड सेल्स। उसके बाद देयर वाज टू थ्री जजमेंट्स है जेएमडब्ल्यू वायर्स सर गिरनार इंफ्रास्ट्रक्चर जिंदल डाई कैप निधि टेक्सटाइल अंदर आईडीएटी, जहां पे उन्होंने बोला जहां पे सेल परचेस स्टॉक डाउट में नहीं है तो सेल्स कांट बी अंडर सेक्शन 68 पे एंट्री की सकता और बुक्स रिजेक्ट भी नहीं की सकती। पर इसका एक केवियट है, केवियट क्या है कि मान लीजिए पैसे तो आ गए, माल आपने बाद में सप्लाई करना है, पैसे पहले आ गए जहां पे माल आपने बाद में सप्लाई करना है, यहाँ पे सर 68 की तीनों चीजें प्रूव करनी पड़ेगी, केवाईसी क्रेडिबिलिटीनेस और जेन्युइननेस तीनों चीजें प्रूव करनी पड़ेंगी। द केस है ओमलैंड रियल्टी 86 दिमाग में आता है कि भैया 68 की एडिशन जब नहीं हो सकती तो इनिशियल बर्डन एसएससी के ऊपर है। सबसे पहला दिमाग पे क्वेश्चन ये आता है, चलिए आप डबल एडिशन तो हो गई, आप ये आर्गुमेंट भी लेके चले गए कि भैया डबल एडिशन की एडिशन नहीं हो सकती, तो क्या सीएटी पील क्या कर सकता है, क्या सीएटी पील भी आपकी बात मान लेगा और बोलेगा हाँ डबल एडिशन नहीं हो सकती ठीक है 68 में नहीं हो सकती? नहीं सर, सीआईटी के पास अब कोर्ट टर्मिनस पावर है। तो ऐसे केस में अगर आप सेल्स प्रूफ नहीं कर पाए तो सेल्स को हटा देगा और आपके केस के अंदर सर 68 की एडिशन बरकरार रखेगा। और सेल्स को जब हटाएगा तो ऐसे केस में क्या करेगा, वो क्या स्टॉक को बढ़ाएगा क्या? तो ऐसे केस में इस बात को ध्यान रख लीजिए, प्लीज ध्यान रखिए सर, ये पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये पांचों छह चीजें अगर आपने एसेसिंग ऑफिसर को नहीं दी है तो सर अपने केस में कैश सेल्स के केस में आपने सीआईटी पील को कागज जमा करा दे। वो कौन से हैं? ये स्टॉक एग्जिस्ट करता था, स्टॉक रजिस्टर मेरा मेंटेन था, कोई प्रूफ नहीं है, बैकडेटिंग हुई है, प्रॉपर आपकी परचेज पूरी प्रॉपर है। सर देखिए जब भी परचेज सेल होगी तो सर परचेज या सेल में से कोई एक चीज प्रूफ करनी बहुत जरूरी है, तो परचेज था या स्टॉक था, तो या तो अगर आप सेल तो देखिए अगर आपकी कैश सेल्स है प्रूफ तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो आपको परचेज या स्टॉक प्रूफ करना जरूरी है। तो अगर आपने परचेज और कैश स्टॉक प्रूफ कर दिया, स्टॉक रजिस्टर प्रॉपर प्रूफ कर दिया कि देखिए ये आया और ये गया और स्टॉक रजिस्टर एक्सेप्ट कर लिया गया, मेरा वैट मैंने रिटर्न भरी है वो एक्सेप्ट कर ली गई, वैट रिटर्न मेरी गई रिवाइज नहीं करी है, वैट मेरी सस्पेंड हो गई वो भी एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है जी, प्रॉपर इनवॉइस मैंने इशू किया है, बुक्स को एक्सेप्ट कर दिया है, जीपी को एक्सेप्ट कर लिया है, जहां पे मेरी सेल्स को आप नहीं हटा सकते ये आर्गुमेंट लेना जरूरी है। अदरवाइज सीआईटी के पास कोर्ट टर्मिनस पावर है, वो क्या बोलेगा भाई आप सेल्स नहीं मान रहे ठीक है मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ, डबल एडिशन नहीं होनी चाहिए, मैं सेल्स उड़ाता हूँ 68 में एडिशन कर देता हूँ। तो ऐसे केस में सेल्स को भी सब्सटेंशिएट आपने उसके सामने करना है और वो कैसे करेंगे, ये पांचों छह चीजों से, वैट रिटर्न, वैट असेसमेंट, सर आपका स्टॉक रजिस्टर, सर आपकी परचेज, कोई परचेज वालों से कंफर्मेशन दियो तो वो, आप ये भी रिलाय करें सर मेरी बुक्स रिजेक्ट नहीं हुई है, मेरा जीपी एक्सेप्ट कर लिया आपने, प्रॉपर मैंने इनवॉइस इशू करी है, आर यू गेटिंग पॉइंट? तो जो जो चीज आप प्रूव करने के लिए सेल के लिए कर सकते हो वो करोगे तब आप केस बचा पाएंगे, ठीक है सर राइट। अब मान लीजिए आपने सारी चीजें पूरी कर दी, अब ओनरशिप हो गया एसएससी ऑफिसर, अब एसएससी ऑफिसर कहता है भाई मैं तो कुछ करता नहीं, मैं मेरे को तो स्टैटिस्टिकल डाटा ही चाहिए जो पुराने वाला, पिछले साल कितनी हुई थी, पिछले साल कैश सेल कितनी हुई थी, पर वो बाकी चीजों पर आपको करता ही नहीं। मान लीजिए आपने कोई सेल की कंफर्मेशन थी, परचेज की कंफर्मेशन थी, वो भी दे दी आपने,
और वो उस पर तो काम कुछ कर नहीं रहा, बस सिर्फ आपके स्टैटिस्टिकल डाटा मांगा जा रहा है। तो क्या करोगे आप सर? सर कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेट हिम ऐड व्हाट ही, उसने ऑलरेडी ऐड कर दिया होगा। अब उसको आंसर जो देना है, अब उसका आंसर कौन देगा? सीएटी के लिए आईटीएटी। अब सीएटी के लिए आईटीएटी चेक करेगा भैया क्या जो एओ ने एडिशन करी है वो जस्टिफाइड है या नहीं। दूसरी बात, क्या एओ ने सर जो काम किया है वो रीजनेबल है या नहीं। व्हाट आई वांट टू से सर, एओ को जर जुडिशियल जो डिसीजन था, जो वर्ड मे था, उसको कैसे दिखाना चाहिए था? विद प्रॉपर जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्शियस के हिसाब से। एक जजमेंट आई थी सर बॉम्बे हाईकोर्ट की, इसका सटायर है, इसका रेलिवेंस नहीं है अदरवाइज। उस बॉम्बे हाईकोर्ट की जजमेंट में ग्रुप एच मीडिया एक अटेस्ट में थी, जजमेंट में उसने बोला बॉम्बे हाईकोर्ट ने कि ऐसा लग रहा है दो व्यक्ति हैं जिसको एसएससी को प्रूव को खुश रखना बहुत जरूरी है। एक तो है सर, एक तो डाइटी और दूसरा प्रीस्ट। डाइटी क्या है? इनकम टैक्स एक्ट, और प्रीस्ट क्या है? एओ। तो दोनों को सेटिस्फाई करना है। आप कैसे करना है ये भगवान जानता है। इट इज ओनली अ सटायर बेसिकली राइट नाउ। अब कई बार एडिशन होती है 68, 69 के अंदर सर, उस केस में सर्च और सर्वे में कुछ स्टेटमेंट डिली जाती है राइट। तो ऐसे केस में कैसे बचे? सबसे पहले तो आप ये समझ लें सर कि सर्च और सर्वे में पहली बात तो स्टेटमेंट, जब से 271 AD आ रही है तब से मेरी पर्सनल सबसे रिक्वेस्ट ये है कि सर पहली बात तो सरेंडर करें ही ना। पर मान लो फैक्ट्स कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको सरेंडर करना पड़ रहा है, तो अगर आपको सरेंडर करना पड़ रहा है तो ऐसे केस में अगर आपने सरेंडर कर दिया, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप ध्यान रखिए, जब भी सरेंडर करें, सरेंडर दो तरीके से होता है, या तो एसेट्स का हो सकता है या इनकम का। एसेट्स का मतलब मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी डिस्क्लोज नहीं की थी, अनडिस्क्लोज प्रॉपर्टी रह गई थी, उसको कर दिया, या फिर आपका कोई आप प्रॉपर्टी बना रहे थे उसको नहीं अनडिस्क्लोज रह दिया। और इनकम कैसे होती है? कोई बोगस परचेज डाली हुई थी, कोई स्टॉक कम था, सरप्राइज सेल थी, सेल को सरप्राइज किया हुआ था। तो हमेशा ट्राई करें सर, आपको जब भी स्टेटमेंट देनी है इट इज बेटर टू सरेंडर इनकम सर, एसेट्स को नहीं करना है। अगर एसेट्स को करेंगे तो 99.99% केसेस के अंदर सरेंडर जब करेंगे तो वो 68, 69 में ले जाएगा। उसका फायदा क्या होगा? जब आप इनकम को सरेंडर करेंगे, तो साथ के साथ अगर कोई एसेट आपका सर अनअकाउंटेड है या फिर जिसको आपने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है, उसकी टेलीस्कोपिंग आप वहां पे कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात सर, जब भी स्टेटमेंट दे कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ये लिखे सर मेरे पास और कोई तरीका ही नहीं है, मेरे पास तो ये बिजनेस इनकम ही है, या फिर जो भी हेड ऑफ इनकम जिससे आप ये डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम ये हेड है, चाहे सैलरी हो, चाहे पीजीपीपी हो, चाहे आपका कैपिटल गेन्स हो, या फिर आपका आईयूएस हो, या फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी हो, तो आप कुछ ना कुछ स्टेटमेंट में जरूर लिखवाएं कि भैया मेरा और कोई हेड ऑफ इनकम है ही नहीं, मैंने तो इसी से पैसे कमाए होंगे। व्हाई इट इज सो? सर होता क्या है, 132(4) में जब स्टेटमेंट होती है वो एक स्पर ऑफ मूवमेंट में होती है। व्हाट आई वांट टू से, उस स्टेटमेंट में आप जो लिखवाते हैं उसकी लीगल सैंटिटी बहुत ज्यादा है, उसका सर जो वेटेज है बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके बाद आप कुछ भी लिखोगे, चाहे रिट्रैक्शन करोगे या कुछ और आगे लिखवाने को शुरू करोगे, दैट इज नथिंग बट कुड बी कंसिडर्ड एज सर एज अ सेकेंड थॉट, या फिर आप सर थॉट प्रोसेस करके दे रहे हो, आप आर यू गेटिंग पॉइंट राइट? तो आफ्टर थॉट भी बोला जा सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूं उस स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं यू लिखवाया, अगर आप बिजनेस करते हैं तो सर ये पैसे मैंने कहां से कमाए होंगे, कहीं ना कहीं बिजनेस इनकम से होगा। इसका फायदा क्या होगा सर? टैक्स है 30%, और अगर कंपनी है तो 15% या 22% है, आर यू गेटिंग पॉइंट? वेयरएज अगर मैं इसकी बात करूं यहां पे 77.25% टैक्स है। तो इसलिए हमेशा इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल डिस्क्लोज सोर्स ऑल्सो। प्लस जब जब आप स्टेटमेंट दें तो स्टेटमेंट में दो तीन चीजों का ध्यान रख ले, जैसे मान लीजिए कोई शेयर कैपिटल है या लोन है। अब आपने वो कहता है भाई साहब ये लोन सरेंडर करो या शेयर कैपिटल सरेंडर करो, पहली बात तो सरेंडर करना नहीं चाहिए। पर मान लीजिए जब भी सरेंडर करने पहले एक्सप्लेनेशन प्रॉपर दे दे कि सर ये मेरी देखिए ये उसका KYC है, ये क्रेडिट वर्थनेस है, ये जेन्युइननेस है। व्हाट आई वांट टू से, एक्सप्लेनेशन आपने दे दी पर उसने एक्सेप्ट नहीं करी। सर हमेशा ध्यान रखिए सर, इनकम टेस्टमेंटेशन होती है प्री पॉन्डर्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अब उसके बाद आप बोले टू बाय पीस मैं ये एडिशन एक्सेप्ट करता हूं, कहीं भी ये मत बोले कि मैंने कैश दिया था और मैंने उसके बाद उसने मुझे एंट्री दी थी। अगर आप इस तरह का बोल दिया सर बेनामी ट्रांजेक्शन विल प्रिवेल, अर्गडी पॉइंट, बेनामी एट ले सकता है, अर्गडी पॉइंट। और कहीं ना कहीं जब मैं बात कर रहा हूं आपको बोगस परचेजेस की बात कर रहे हो या उल्टे सीधे खर्चे किसी ने डाले हुए हैं या पे सेल आपने सरप्लस की है, तो अब 271 AED का एक झगड़ा पड़ सकता है। पर मेरा अगर मानेंगे आप 271 AED की बात करें सर, टेक माय वर्ड्स, आज पेनल्टी का सेशन नहीं है, कभी मुझे स्टेट ने मौका दिया विल डिस्कस ऑन पेनल्टी आल्सो। सर मेरा मानना है सर हर पेनल्टी का अपना अपना दायरा है, जैसे मैं बताता हूँ 143(3), 148, 153, 153C इसमें नोटिस इशू होता है फॉर असेसमेंट। जो काम 153(3), 153C में हो सकता है वो 148, 143(2) में नहीं हो सकता,
और जो काम 143 दो में हो सकता है वो 148 में नहीं सकता, 148 एक्सेप्शन पावर। सेम वे सर 271 AC, 271 AB, 271 AD या फिर मैं 270A की बात करूं तो चारों का अपना अपना दायरा है सर, कहीं पे भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती सर, डबल जियोपार्टी नहीं हो सकता। क्यों? मैंने क्या बताया सर, क्वासी क्रिमिनल। क्वासी क्रिमिनल क्यों बोलते हैं? पेनल्टी लगने के बाद प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च होता है, आर्टिकल 20 काम करेगा। तो 271 AD का कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है, राइट? फिर कभी होगा तो डिस्कस करेंगे। अब कई बार आपके दिमाग में कई बार ये भी दिक्कत आती होगी कि मान लीजिए सर स्टेटमेंट तो किसी और एक्ट में ली, स्टेटमेंट किसी और एक्ट में ली, बट क्या हुआ उस स्टेटमेंट को उन्होंने इनकम टैक्स में यूज करने शुरू कर दी। क्या यूज की अस्थि है? उसके लिए जजमेंट नोट कर लें, एन स्वामी 241 ITR 263 मद्रास हाई कोर्ट। उन्होंने बोला भैया ऐसे केस में अगर उस स्टेटमेंट को यूज करना है तो ऐसे केस में इट कुड बी यूज ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पस, नॉट फॉर द इनकम टैक्स। द सेम टू बी कॉर्पोरेटेड इंडिमिटली एग्जामिन्ड इंक्वायर्ड एंड द ओनर्स इज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव इट्स यूजफुलनेस एंड रेसिडुअल थereof एंड नॉट SSC। मैं क्लियर हूं आपको सर? तो सारे काम पूरे करने पड़ेंगे। व्हाट आई वांट टू से, ये काम सेम बात बेनामी में भी हो रहा है सर। बेनामी में करीबन मैं इस टाइम पे 12-13 केस लड़ रहा हूँ, राइट? अगर क्यूमुलेटिव लगाएं तो मोटा मोटा 50 है, मैं 12-13 अलग अलग SSC के लड़ रहा हूँ। तो 12-13 केसेस में सब में ग्राउंड ये है, वन ऑफ द मेन ग्राउंड वी आर टेकिंग इज कि सर आपसे सेक्शन 19 के अंदर जो आपने बेनामी एक्ट के अंदर जो आपने एक्सप्रेशन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए थी वो तो कुछ किया ही नहीं। इसी भी डिपार्टमेंट से आपने मान लीजिए झंडे वालान से या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से कुछ आया, आपने कट कॉपी पेस्ट किया उठा के मेरे को दे दिया। आपने रीजन टू बिलीव आपका होना चाहिए था, उस इनिशिएटिंग ऑफिसर का होना चाहिए, तो आपने काम काम किया, वो काम कुछ नहीं किया। दिस इज द वन ऑफ द मेन आर्गुमेंट ऑफ इट, राइट? राइट नाउ अब एक क्वेश्चन ये आता है कि रेट्रोस्पेक्टिविटी। सर एक टाइम और बता दे, एक मिनट के आर्गुमेंट जो पीपल जो ले रहे हैं, मैंने भी लिया आर्गुमेंट कि सर ये रेट्रोस्पेक्टिव कैसे पढ़ सकते हैं। सर इसके लिए दो जजमेंट पहले आप समझ लें, फिर मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द मेन आर्गुमेंट। पहली बात तो आप ये समझ लें, जजमेंट से पहले मैं आपको समझा दूं सर, इनकम टैक्स जब इनकम टैक्स में ये इनकम टैक्स रेट को बढ़ाया है, पेनल्टी को नहीं बढ़ाया, और इनकम टैक्स में जो इनकम टैक्स है वो सिविल लायबिलिटी। जब हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकता, इट इज ओनली फॉर क्रिमिनल पार्ट ओनली। आई वॉन्ट टू से सर इनकम टैक्स के लिए सर रेट्रोस्पेक्टिव रेट बढ़ाया जा सकता है क्योंकि चार्ज ऑलरेडी 68 पहले सेक्शन था, 68 में कोई अमेंडमेंट नहीं करी, उन्होंने 115 BB में चेंज किया है, रेट में चेंज किया है। यस सर रेट बढ़ा सकते थे, पर दो बड़े बड़े आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट क्या है, चलिए पहले दो आर्गुमेंट समझने से पहले पहले दो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट समझ लें, वो समझना पड़ रही है सर। देवास सर ये पॉलिटिशियन कौन है जो अभी पहले कांग्रेस से BJP में आया, ज्योतिरादित्य सिंधिया। सर इनकी कंपनी थी एक सिंधिया स्टीम नेविगेशन, 1940s की बात कर रहा हूं मैं, इनके परदादा की होगी, राइट? तो उनमें एक अलमदीना नाम का शिप था, तो अलमदीना शिप तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई शिप आप हमें दे दे, मुझे हमें वर्ल्ड वॉर में यूज करना है। तो शिप उनको दे दिया गया, वो करीबन 31 लाख रुपए का शिप था। तो क्या वो 12 अप्रैल 1944 को वो शिप सर डिस्ट्रॉय हो गया, इन्होंने कंपनसेशन मांगा, तो 18 अप्रैल या 20 अप्रैल को कंपनसेशन उनको दे दिया गया। अब हुआ कि 1946 को 12 अप्रैल 1944 को टूटा है और 18 अप्रैल या 20 अप्रैल 1946 को इनको 2 साल बाद सर उनको कंपनसेशन दे दिया गया। अब हुआ क्या, जब कंपनसेशन उनको दे दिया गया तो व्हाट हैपेंड सर, 1 मई 1946 को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया, इस तरह कोई भी कंपनसेशन होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इस केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने बोला कि सर पहले सिंधिया स्टीम नेविगेशन वालों ने बोला कि सर टैक्सेशन होने के लिए चार चीजें बहुत होनी जरूरी चाहिए। सर पहला इवेंट सर, तो हमारा इवेंट तो 12 अप्रैल 1944 को ही हो गया था, इसका टैक्सेशन 1944 में हो सकता है, उससे पहले तो उसके बाद तो हो सकता। उन्होंने बोला सर, डिपार्टमेंट ने बोला सर ये चीज बोल रहे हैं सर, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट तो होना चाहिए, अमाउंट तो हमने कैलकुलेट किया सर 1946 में और वो कंप्यूटर सर 20 अप्रैल को या 18 अप्रैल को, तो कंप्यूटेशन जो हुई 18 अप्रैल को हुई तो हम तो तभी टेस्ट कर सकते हैं। उन्होंने बोला एकदम ठीक। अब ऐसे में सिद्धिया साहब ने बोला, सिद्धिया सीम नेविगेशन उन्होंने बोला सर ये एकदम आप ठीक कर रहे हैं सर, ये नोटिफिकेशन तो लेकिन 1 मई को आया है और कहां लिखा हुआ है 1 मई वाला, ये रेट्रोस्पेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला एकदम करेक्ट सर, यहाँ पे सर टैक्स नहीं ले सकता। जजमेंट ऑफ स्टेट ऑफ केरला, मैं नाम पूरा बोल रहा हूँ
सर एग्रीचर पे जो इनकम टैक्स लगाने की जो पावर है आज भी जो तो पावर शुरू से है सर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है, राइट सर। तो हुआ क्या सर, स्टेट ऑफ केरला ने एग्रीचर इनकम टैक्स लगाया हुआ था, तो 1 सितंबर 1957 को उन्होंने सरचार्ज इंक्रीज कर दिया। तो उन्होंने एसएससी को बोला भैया पिछले 5 महीने में जो तूने अमाउंट कमाया है ना, इसमें भी तुमको सरचार्ज देना पड़ेगा। दिस केस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, 1966 में सर डिसाइड हुआ था और वो वाला 1961 में हुआ था, राइट, सिंधिया वाला। इस केस में उसने बोला कि सर 1 सितंबर को जो आपने नोटिफिकेशन बढ़ाया है सरचार्ज इंक्रीज करने का, कहां पे लिखा हुआ है रेट्रोस्पेक्टिव में? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला एकदम करेक्ट, सिंस आपने कोई चीज एक्सप्लिसिट नहीं लिखी है कि इसे रेट्रोस्पेक्टिव ही पढ़ना है, इस वजह से जो जो इसका है ये प्रोस्पेक्टिव ही नेचर है। तो सेम बात सर, सर ये केस आया था वाटिका टाउनशिप में 2003 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था अगर आपको कोई चीज रेट्रोस्पेक्टिवली दिखाना है तो एक्सप्लिसिटली दिखाना पड़ेगा। जैसे आप क्या करते हो 2012 में जो जो अमेंडमेंट हुई है, चाहे 911 में हुई, चाहे रॉयल्टी में हुई है, एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई है। और एक्सप्लेनेशन ऐड करने से क्या होता है सर, ये पढ़ा जाता जब ये एक्ट आया था, जब ये सेक्शन आया था, जैसे रॉयल्टी और एफटीएस में सर 1976 से आया था, तो ये रीड किया था 1976 से। 911 आया था सर 1961 से, तो 61 से पढ़ा जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन, जब आप एक्सप्लेनेशन जोड़ रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे केस में आपकी इंटेंशन है कि रेट्रोस्पेक्टिव करना, पर आपने ऐसी कोई इंटेंशन नहीं दिखाई। दिस इज द वन ऑफ द आर्गुमेंट व्हिच द पीपल आर स्पीकिंग, मैंने भी लिया है, तो मेरे हिसाब से ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। दूसरा आर्गुमेंट सर क्या है सर, आर्टिकल 300A सर, देयर वाज ऑलरेडी अ केस पेंडिंग विद गुजरात हाईकोर्ट एंड राजस्थान हाईकोर्ट, एक ऑलरेडी रिट पिटीशन फाइल की हुई है। अगर ये COVID-19 चीज नहीं चल रहा होता जजमेंट अभी तक आ चुका होता। उन्होंने बोला वहां पे आर्टिकल 300A लिखा हुआ, आर्टिकल 300 में लिखा हुआ है that nobody should be deprived from his or her property save as provided by the law. पर जहां पे जब आप डिप्राइवेशन की बात कर रहे हो, तो जहां पे आप सर प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहे हो सर, आप टैक्स के नाम पे क्या एक्सप्रोप्रिएट कर सकते हो या फिर आप कॉन्फिसिकेट कर सकते हो? तो जब 70% टैक्स की बात कर रहे हो, 83.25% टैक्स की बात कर रहे हो, इट इज नथिंग बट सर कॉन्फिसिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो दिस इज अनदर आर्गुमेंट, बट दो इस आर्गुमेंट से मैं एक्सेप्ट इतना नहीं करता, क्योंकि आप 70s की अगर बात करो वहां पे रेट 97% हुआ करता था, अब रेट रिड्यूस हो गया। तो आई बिलीव जो पहला वाला आर्गुमेंट है कि दिस इज नॉट एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड ओवर देयर, सिर्फ असेसमेंट ये लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्सप्लिसिटली लिखना भी चाहिए था कि भैया ये 1 अप्रैल से पढ़ना पड़ेगा, तो तब तक ये सर मेरे से रेट्रोस्पेक्टिव नहीं, ये आर्गुमेंट चलेगा। ठीक है सर, नाउ लेट अस कम टू 69A की बात भी कर ले। अच्छा, तीन चार चीजें और ग्राउंड नोट कर ले सर। सस्पिशन जितना मर्जी बढ़ाओ सर, वो एविडेंस का प्लेस नहीं सकता। सस्पिशन हाउएवर ग्रेट कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ एविडेंस। बर्डन ऑफ प्रूफ एपरेंट इज नॉट रियल, लाइज ऑन द शोल्डर ऑफ द रेवेन्यू। द डिपार्टमेंट कैन नॉट ड्रॉ इन्फरेंसेस एंड अज्यूम दैट देयर इज अ इललीगलिटी इन द एसएससी ट्रांजिशन एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी मटेरियल इन द लॉ। इट इज नॉट ओपन टू द डिपार्टमेंट ऑफ एलिजेटिंग एसएससी एप्लीकेशन presumption that the witness came forward to give false evidence to oblige the SSC. Sir, he please try to appreciate सारी की सारी चीजें onus will lie on the department. Now एक point और है यार, point 68 petition, एक point पे और addition हो रही है, जहाँ पे जो दिक्कत आ रही है, student discuss करने से पहले बताऊँगा आपको issue discuss कर ले, कि एक argument और आ रहा है जहाँ पे बोल रहे हैं कि भैया ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि sales मेरी 8 नवंबर के बाद भी हो सकती थी। तो सबसे पहले आप ये मान लें सर, 8 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री साहब ने तो बोला ही बोला था, खैर उसकी लीगल एंटिटी नहीं है। और हुआ क्या, जो मैंने आपको दो नोटिफिकेशन दिखाया था 2654 2653, ये सर मिनिस्ट्री ऑफ सर फाइनेंस ने दिए थे, आरबीआई ने दिए थे। उन्होंने बोला था भाई अब से इन ट्रांजेक्शन के अलावा कौन सी मेडिसिन, पेट्रोल या फिर हॉस्पिटल, कुछ चीजों को छोड़ के बाकी सब केस उन्होंने 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, बाकी इलीगल। अब ऐसे केस में अगर मान लीजिए आपने सेल कर ली है, सेल कर भी ली है, तो सबसे पहले तो फर्स्ट आर्गुमेंट ये रहता है कि बंदा कहता पेपर ले लिए तो क्या हो गया। अगर पेपर ले लिए, कहाँ लिखा हो, पेपर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने पेपर लिए आपसे, मैंने माल भेज दिया 8 नवंबर के बाद, और मैंने जब अकाउंट में जमा करा दिए, तो मैक्सिमम आरबीआई बोल सकता था कि भैया मैं आपको क्रेडिट नहीं दूंगा, पर आरबीआई ने क्रेडिट दे दिया। तो जो भी झगड़ा है आरबीआई का झगड़ा है, इनकम टैक्स में कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे आर्गुमेंट सिर्फ दो, एक तरफा ये है कि सामने वाले जिसने परचेज किया अगर स्टॉक है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, तो जितने परचेज किया वो दिखा देगा। पर अगर मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूँ ये बाटर है, पेपर के बदले में मैंने माल दे दिया और सामने वाले के हाथ में स्टॉक नहीं है, तो ऐसे केस में 56.210 में उसके हाथ में टैक्सेशन हो सकता है। मैं क्यों ना बोल सर, मैं परचेजर की बात कर रहा हूं, सेलर की बात नहीं कर रहा हूं। तो व्हेन कैन आर्ग्यू दिस थिंग,
क्योंकि आप ऑलरेडी आर्गुमेंट ले भी चुके होंगे कि सर मैंने सेल 8 नवंबर के बाद ही करी है, डेटर्स रिकवरी 8 नवंबर के बाद ही हुई है। तो ऐसे केस में अगर आप ये आर्गुमेंट ले चुके हो तो सर कई एसेसिंग ऑफिसर ने इस बात की एडिशन कर दी कि भैया आपने बैंक में क्रेडिट डाल दिया, सर ये बैंक में क्रेडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आरबीआई का कॉल है, ये आपका कॉल नहीं है एसेसिंग ऑफिसर का। तो ऐसे केस में अगर बैंक ने क्रेडिट दे दिया है तो आपको सेल्स कंसिडर करके सर उसको कंसिडर कर लेना चाहिए, राइट सर। अब लेट अस कम टू 69 की बात करते हैं। मैंने क्या बताया सर आपको, सर 68 में सर द ओनर्स इज ऑन द एसएससी, उसको ये तीनों चीजें केवाईसी, क्रेडिट वर्थिनेस, जेन्युइननेस या फिर अगर मुझे सेल सब्सटेंशिएट करनी पड़ेगी, और सब्सटेंशिएट करने का तरीका मैंने बता दिया सर, आप ये पांचों छहों चीजें प्रूव करेंगे अगर आपने डिपार्टमेंट को एसएससी को एओ को नहीं दी है तो सीएटी में जमा कराएं। और यहां पे अगर मैं बुक्स अकाउंट मेंटेन कर रहा हूं, अकाउंट कर रहा हूं, तो सर डिपार्टमेंट को दो चीजें प्रूव करनी जरूरी है। पहली बात सर, वन शुड बी, ही शुड बी द फाउंड टू द ओनर। अब ओनर के केस में मान लीजिए किसी के यहाँ किसी घर में सर्च हुई, तो सर्च के केस में कुछ मान लीजिए वॉचेस पकड़ी गई बहुत सारी, तो क्या इसके में क्या एसएससी बोल सकता है कि भैया आप पहले प्रूव करो कि ये वॉचेस जो मेरे घर पे है वो मेरी नहीं है, वो मेरी ही है। सर ऐसे केस में सर सेक्शन 110 ऑफ एविडेंस एक्ट वो काम करेगा, जो बोलता है कि जिसके पास मिली वो ओनर माना जाएगा। पर जब फाउंड टू बी द ओनर में ये केस कौन से हो सकते हैं सर, ये आरती वाले केस हो सकते हैं, या फिर जो आप मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, इट वाज अ जजमेंट ऑफ टी त्यागराज, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है, और इस जजमेंट में क्या हुआ सर, व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ पर्सन, वो इंडियन बैंक का एजेंट था, तो वो क्या वो एजेंट क्या करते हैं सर, नॉर्मली लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं एक नंबर में अपने अकाउंट में डालते हैं, और फिर उसके बाद एक चेक से एंट्री मार के उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो क्योंकि कैश उसके अकाउंट में जमा हुआ था, केस लग गया, तो सर जब उसने सर्टिफिकेट भी दिखा दिया कि मैं इंडियन बैंक का एजेंट हूँ, पैसे मेरे कहां से आए, मैंने किसको दिए, तो ऐसे केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई 69A में एडिशन करनी है, पहले तो चेक कर लो कि भैया वो ओनर भी यही नहीं है, अगर वो ओनर ही नहीं है तो काम खत्म। ऐसी सर ये जो आरती वाले काम करते हैं, दो नंबर में कैश लेते हैं और मान लीजिए कैश किसी और को ट्रांसफर करा देते हैं, किसी और स्टेट में ऐसे ट्रांसफर कर देते हैं, ऐसे केस में मान लीजिए 8 नंबर को किसी के पैसे रुक गए उसे जमा करा दिए, तो ऐसे केस में सर आरती वो आर्गुमेंट ले सकता है, पहले वो अकाउंट नहीं बना रहा, दूसरी बात वो आर्गुमेंट ले सकता है कि सर मैं ओनर तो हूं नहीं, मेरे पास तो कहीं से पैसा आया था पर ट्रांसफर कर दिया। लेकिन इस केस में एक चीज बहुत नोट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एंट्री ऑपरेटर हो चाहे वो आरती हो, इस तरह का काम करने वाला, अगर उसने केस में ये आर्गुमेंट लेना है तो सर उसको डेबिट और क्रेडिट दोनों प्रूव करने पड़ेंगे, किससे आए और किसको गए। लेट मी रिमाइंड यू ऑफ द केस ऑफ डीके अग्रवाल, दिल्ली हाईकोर्ट जजमेंट, दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि अगर आपको ये प्रूव करना है कि भैया आपको परसेंटेज में अपना प्रॉफिट दिखाना है कि भैया मेरा परसेंटेज मैंने कमाई है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा पैसे मेरे कहां से आए और किसको दिए, कि यू शुड कम विद अ क्लीन हैंड्स। तो व्हाट आई वांट टू से, अगर कोई इस तरह आरती का काम कर रहा था या कोई एंट्री ऑपरेटर है और इस तरह काम कर रहा था, तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा मेरे पैसे यहां से आए और मैंने यहां पे दे दिए, तभी वो 68 या 69 से बच सकता है। मैं क्यों ना बोलूं सर, दूसरी बात सर, अगर उसने बुक्स मेंटेन करी है तो सर ये प्रूव करना पड़ेगा कि बुक्स में एंट्री नहीं थी, तो 68 और 69A के अंदर हो दोनों के अंदर कि मेरी बुक्स में अकाउंट रिकॉर्ड नहीं हुई है, एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो ये ओनर्स इज ऑन द डिपार्टमेंट टू प्रूव इट कि भैया ऐसे केस के अंदर मेरे केस के अंदर एडिशन जो आपकी बुक्स में रिकॉर्ड थी या रिकॉर्ड नहीं थी, तभी 68 और 69A का एडिशन हो सकता है, राइट सर। नाउ अब झगड़ा पड़ता है 69B का, सर कई बार आपको 69B पढ़ लिया, 69B भी पढ़ लिया, 69B भी समझ लेते हैं, फिर 69C खत्म करके 115B भी खत्म करके फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, किसने क्वेश्चन पूछते क्वेश्चन पूछ लेगा वो हिसाब से। सर कई बार आपके क्वेश्चन दिमाग में आता है 69B है क्या, 69A समझ लिया हमने मोटा मोटा, वो ज्वेलरी और कैश की बात करता है। 69B बोलता है कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट मिली गई और ऐसे केस में इन्वेस्टमेंट मिल गई लेकिन वो प्रॉपरली प्रॉपर रिकॉर्डेड नहीं है, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल कि मान लीजिए मैंने किसी शॉपकीपर से मैं किसी मान लीजिए कोई फड़ी वाला है, फड़ी वाले से कोई कोई पेंटिंग बेच रहा था, तो मैंने पेंटिंग 5000 की पेंटिंग खरीद ली, और मैं पेंटिंग लेके आ गया और पेंटिंग ले आके मैंने अपने घर पे टांग दी, उसमें MFSN के साइन थे। अब बाद में मैंने चेक कराया, वो पता लगा MFSN तो जेन्युइन साइन है, और पता लगा उसकी वैल्यू तो 50 लाख रुपए। ये पहला केस। दूसरा केस ये है, मैं एक्चुअली किसी से MFSN की मशीन वो पेंटिंग खरीद लाया, अब वो पेंट मैंने 50 लाख में खरीदी, मैंने अपने घर पे लगा ली, और जब मैंने चेक कराई दूसरे केस में वो पेंटिंग नकली निकली, सिर्फ उसकी वैल्यू 5000 रुपए की। तो व्हाट आई वांट टू से,
और अगर वो 50 लाख मैंने नहीं दिखाए हैं दूसरे वाले केस के अंदर, तो ऐसे केस में अगर डिपार्टमेंट पता लग गया मैंने 50 लाख भी खरीदी है और मैंने बुक्स में 50 लाख रिकॉर्ड नहीं किए, तो ऐसे केस में 50 लाख की एडिशन होगी, 5,000 की नहीं होगी। जबकि पहले वाले केस में क्योंकि मैंने परचेज ही 5,000 की है, बाद में वो 50 लाख की निकल आई, तो सर अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा सर ये 5,000 की फड़ी वाली दुकान से खरीदी है, 5,000 खरीदी है, तो मेरी एडिशन सर 50 लाख की एडिशन नहीं हो सकती। तो ऐसे केस में सर डिपार्टमेंट को प्रूव करना पड़ेगा मैंने एक्चुअली कैश खर्च किया या पेमेंट ज्यादा अनअकाउंटेड मनी से पैसे खर्च किए। अब कई बार आपके दिमाग में आता होगा कि सर जिसने बेची उसकी तो 50C में एडिशन हो गई, क्या मेरे केस में 69B में एडिशन हो सकती है? अब 50C में कैसे होती है वैल्यूएशन के हिसाब से, तो ऐसे केस में क्या 69B में एडिशन? नो सर, अगर जो जिसने बेची है उसकी 50C में एडिशन हो गई वैल्यूएशन के हिसाब से, 69B में सर डिपार्टमेंट को इंप्रूव करना पड़ेगा मैंने एक्चुअली कैश इतना दिया है, अनअकाउंटेड मनी दी है। अगर सामने वाले की 50C में एडिशन हो गई मेरी 69B में एडिशन नहीं हो सकती। 56210 की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं बात कर रहा हूं 69B की। मैं क्लियर हूं आपको सर, 69B में एडिशन तभी हो पाएगी जब सामने वाला डिपार्टमेंट ये प्रूव कर पाएगा कि मैंने सर अनअकाउंटेड मनी अलग से दिया हुआ है। अब आते से 69C में, 69C में लोगों का सर मैं आई एम विजिबल, हाँ जी। अब आते से 69C में सर मैं ऑडिबल हूं, मैं ऑडिबल हूं ना, सर मैं ऑडिबल हूं ना सर? यस सर। ठीक है, अरे मेरी पीपीटी बंद हो गई, सॉरी। सिस्टम सी में बात करते हैं तो पीपीटी खुल रही है तो मैं सिस्टम सी में बात कर लेता हूं। सिस्टम सी में सर लोग हम लोगों को दिक्कत कहां पे आती है, सिस्टम सी में दिक्कत कहां पे आती है? सिस्टम सी के अंदर हम लोग को दिक्कत ये आती है कि जब हम सेशन सी की बात करते हैं, एक मिनट जाइए बस मैं एक बार पीपीटी खोलूँ सर, मेरी पीपीटी का चलिए सेशन सी में मोटा मोटा डिस्कस करता हूँ, पीपीटी बंद हो गई है, मैं वैसे देता हूँ सर। सेशन सी में एक कंसेप्ट समझ लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट सेशन सी में कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए हाइपोथेटिकली आप हमारे केस के अंदर जो मान लीजिए मैं और तरुण सर पार्टनर है और राइट, तो हुआ क्या हमने एक या फिर ऐसे मान लेते हैं तरुण सर ने एक या फिर मेरी बात कर लें सर, मेरी बात कर लेते हैं, मैंने कोई गेट टूगेदर दी से 1 करोड़ रुपए मैंने खर्च कर दिए और मेरे घर में एक फंक्शन था, मैंने 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, मैंने 60 लाख तो चेक दे दिया और मैंने 40 लाख रुपए अनअकाउंटेड बनी दे दिया, एग्जाम्पल कह रहा हूँ। अब ऐसे केस में जब 40 लाख रुपए खर्च कर दिए मैंने अनअकाउंटेड दे दिए, अब मैंने 60 लाख का खर्चा अपनी बुक्स में डाल दिया, अब जब डिपार्टमेंट को पता लगा तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या मेरी 60 लाख की जो एडिशन है, चाहे क्योंकि मेरे घर के लिए यूज हुआ है, मेरे पार्टी घर के लिए करी है, जब मैंने पार्टी घर के लिए करी है तो ऐसे केस में क्या मेरी एडिशन सर 69C में होगी या किसी और सेक्शन में होगी? सर प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट सर, जो 60 लाख का खर्चा मैंने बुक्स में दिखाया है तो अगर ये सेक्शन 37 का टेस्ट पास नहीं कर पाएगा लेड आउट और एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिवली, तो ऐसे केस के अंदर सर क्योंकि होली एक्सक्लूसिव मेरे ऑफिस के लिए खर्च नहीं हुआ तो ये 60 लाख का खर्चा 37 में अलाउड होगा, 69C में नहीं होगा। बट सर डिपार्टमेंट को यही पता लग गया खर्च तो 1 करोड़ रुपए हुआ था, 40 लाख रुपए मैंने अनअकाउंटेड बनी दी है, तो ऐसे केस में होगा 60 लाख का खर्चा 37 में और 40 लाख का खर्चा 69C में एडिशन होगी। सर ये समझना इसलिए जरूरी है सर, आज से 2 साल पहले 4 साल पहले ये फर्क नहीं पड़ता था, क्यों सर? टैक्स रेट 30% ही होता था, चाहे 69C में हो जाए चाहे 37 में डिसल हो जाए, तो ना डिपार्टमेंट को फर्क पड़ता था ना मेरे को फर्क पड़ता था। बट नाउ अगर 69C में कोई एडिशन हो रही है तो ऐसे केस में टैक्स आ रहा है 77.25 पॉइंट, whereas अगर मेरी बिजनेस में हो रही है तो मेरी एडिशन हो रही है 30% के टैक्स स्लैब रेट पे। मैं क्लियर हूं आपको सर, तो प्लीज ट्राई टू अप्रिशिएट, हमेशा ही ध्यान रखें कि 69C और 37 में फर्क क्या है। 69C में वो खर्चा होगा जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, जो अनअकाउंटेड मनी से है, अगर आपने बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया है तो 37 में हो सकता है, बाकी केस में नहीं हो सकता। अब लेट अस कम टू 115BB, फिर मैं वाणी को विराम दूंगा अपने। 115BB कंटेक्स्ट में दो चीजें आप दिमाग में डाल लें सर। सर वो बात करता है सेट ऑफ की, बात करता है, और जब सभी हम सेट ऑफ की बात करते हैं तो सेट ऑफ के अंदर सेट ऑफ सेक्शन 70 में होता है और 71 सेक्शन में होता है। 70 का मतलब इंट्रा हेड और एक होता है इंटर हेड, ठीक है सर, इंटर हेड की बात करते हैं राइट। तो ऐसे केस के अंदर जब हम 115BB की बात करते हैं
तो आप ये मान के चले, आप ये चेक करें, फिर वह दो तीन जजमेंट्स है, मैं पीपीटी अभी खोलूंगा तो 10 मिनट लग जाएंगे, दिस नो पॉइंट, मैं आपको मैसेज करता हूँ, पीपीटी को भेज भी दूंगा। तो उस केस में क्या लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और उसके बाद कुछ हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दिए, जहां पर उन्होंने जजमेंट में बोला है कि यार ये जो कोई हेडलेस इनकम नाम की कोई चीज नहीं होती, तो मैं इससे आर्ग्यू, मैं इससे डिफर करता हूं, मैं बताऊंगा आपको क्यों मेरा व्यू अलग है, पर मैं आपको बता रहा हूं केस लॉ कैसे यूज करना है। उन केस लॉज ने बोला है कि यार हेडलेस इनकम नाम की कोई चीज नहीं होती, कोई ना कोई सोर्स में इनकम जरूर होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं इन जजमेंट को यूज करूं, अगर मेरा बिजनेस एक ही है, मेरा बिजनेस एक ही है, और मान लीजिए मेरे बिजनेस में कोई एडिशन हो गई, राइट, मेरे केस में लॉस है, लॉस है, और 68 की एडिशन हो गई, तो आई कैन आर्ग्यू विद दीज जजमेंट्स कि सर ये 68 की जो एडिशन हुई है तो बिजनेस इनकम ही है, ठीक है, आपका रेट अलग है, पर पहले रेट लगाने से पहले मैं लॉस को सेट ऑफ करूंगा क्योंकि बिजनेस इनकम से ही आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं सर आपको, मैं इन जजमेंट्स को यूज करूंगा और मैं बोलूंगा मेरा अगर बिजनेस एक ही है, उसी बिजनेस में मेरा लॉस भी है और 68 की एडिशन भी हो गई, तो ऐसे केस में बोलूंगा सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला या डिफरेंट हाई कोर्ट से बोला है कि भैया ये जो जितनी भी इनकम है ये एक पर्टिकुलर हेड में आनी चाहिए, तो उसी हेड में आनी चाहिए बिजनेस इनकम में, दो रेट इसका डिफरेंट है, तो ऐसे केस में लॉस को मैं अपने 68 की इनकम से एडिशन करूंगा, कुछ बचेगा तो टैक्स दूंगा वरना मेरा टैक्स नहीं ले सकता, दिस वन थिंग। बट मान लीजिए बिजनेस आपके दो है, एक बिजनेस ए है एक बिजनेस बी है, और लॉस आपका बिजनेस ए में है, बिजनेस आपका लॉस ए में है और बिजनेस बी के अंदर आपके 68 की एडिशन हुई है, तो यहाँ पे सेट ऑफ वाली बात काम दिक्कत करेगी सर, यहाँ पे आप सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, दिस वन ऑफ थिंग। बट मेरा आर्गुमेंट क्या है सर, आप किम फार्मा का पंजाब में नारायण कोर्ट का जजमेंट देखें, ये जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है ये जजमेंट 37 ITR है, समथिंग 37 ITR, और जजमेंट तब आई थी 1922 में, तब 68 नाम की कोई चीज होती नहीं थी, मैं क्लियर हूं आपको सर। नाउ तो ये जजमेंट को उसी की बात हो रही है जहां पे उन्होंने बोला हेडलेस इनकम नहीं है, बट नाउ अगर आप आज इनकम टैक्स की पूरी एनालॉजी पढ़े तो इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है सर आज की डेट में, सर पहले 224 में इनकम बननी चाहिए, फिर 4, 5, 6, 9 का टेस्ट पास होना चाहिए, फिर सेक्शन 14 में क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम होता है, और वो क्या बोलता है सेव एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, इनकम 5 हेड में होगी, सेव एज प्रोवाइडेड मतलब कुछ और हेड भी हो सकते हैं जो इन 5 हेड से अलग हो, और सर एग्रीगेशन ऑफ इनकम सेक्शन 66 पे हो जाता है, और 68, 69 ABCD सर बाद में आते हैं, और 68 से 69 ABCD के अंदर वर्ड यूज होता है मे। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल कि मान लीजिए मैंने कोई 10 लाख रुपए का इंटरेस्ट कमाया, और तरुण सर मान लीजिए एडिशनल कमिश्नर है, मेरा केस लग गया, तो ऐसे केस में क्या तरुण सर ये बोल सकते हैं कि नितिन तूने 10 लाख का इंटरेस्ट कमाया तेरे को छोड़ सकता हूं? नो सर, मेंडेटरी टैक्स लगाना पड़ेगा। पर जब 68 की एडिशन होती है, वहां पे वर्ड मे का मतलब है कि अगर मैंने कोई एक्सप्रेशन दे दी और तरुण सर ने एक्सेप्ट कर ली और तरुण सर सेटिस्फाई हो गए, तो ऐसे केस में तरुण सर बोलेंगे ठीक है मैं एडिशन तुम्हारी नहीं करता। व्हाट आई वांट टू से सर, वहां पे डिस्क्रिशनरी पावर है, बाकी पांचों हेड में सर कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, तो इसलिए 68 और 69 ABCD की जो इनकम है वो हेडलेस इनकम है, वो अदर देन 5 हेड्स है। तो इनको मैं कैसे यूज करता हूं सर, मैं हमेशा सबको समझाता हूं सर कि कभी भी टैक्स होना है सर, चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला इवेंट, दूसरा इवेंट मतलब एक्रू और राइज या कब पैसे मिले या रिसीव हुआ, फिर पर्सन, फिर क्वांटम, फिर चौथा टैक्स रेट। जब मैं 68, 69 ABCD की बात करता हूं सर, 2012 से पहले टैक्स रेट था ही नहीं, और 2012 का मतलब 115 BBE पहली बार 2012 में आया है। व्हाट आई वांट टू से कि 2012 से पहले आप ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सर टैक्स रेट था ही नहीं, टैक्सेस रेट पे लगाते, मैं क्यों आपको सर, क्यों, इट इज हेडलेस इनकम। मैंने आपको दोनों एनालॉजी बता दी कि 115 BBE से अगर आपको लॉस के केस में हटना है और एक ही बिजनेस है तो यू कैन एडजस्ट इट, यू कैन ऑलवेज आर्ग्यू, पर अगर 2012 का केस है तो आप ये भी आर्ग्यू कर सकते हो सर ये दोनों हेडलेस इनकम है और टैक्स रेट था ही नहीं, टैक्सेशन हुआ ही नहीं। अब कोई भी क्वेश्चन आपका, ऑलरेडी मैं 2 मिनट ऊपर हो चुका हूँ, तो 1 मिनट ऊपर हो चुका हूँ, तो 2-3 मिनट में किसी को क्वेश्चन पूछना, फिर लोकेश जी आ गए तो लोकेश जी को मैं हैंड ओवर करूंगा। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एनीबडी कैन आस्क क्वेश्चन। सुमित जी सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी भैया बताए ना भैया। सर जैसे आपने बताया कि 68 में अगर वो एडिशन कर रहे हैं और वो शो कॉज वाली हमें सारी चीजें चेक करनी है, अब मेरे पास एक केस है कि वो 68 में एडिशन हो चुकी है एंड देयर आर नो बुक्स, बट केस इज नाउ पेंडिंग बिफोर सीआईडी अपील्स, एंड सीआईडी अपील्स टोल्ड मी कि ठीक है मैं मानता हूँ 68 में एडिशन नहीं हो सकती, तो 69A में कर देंगी एंड ही पास द ऑर्डर कि आई मतलब इवन अगर 68 में एडिशन नहीं हो सकती तो 69A में हो जाएगी एडिशन एंड एडिशन सस्टेन्स एंड नाउ द केस इज पेंडिंग बिफोर ट्रिब्यूनल, तो इज इट राइट, कैन दिस बी डन? नहीं सर, आपने मैंने आपको बताया आर्गुमेंट क्या किया वो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया, मैंने कहा आप ऑर्डर में गलती निकालो तो विल नॉट वर्क, आपको गलती निकालनी है शो पास नोटिस, मैंने आपको जो बात बोली
आपको ये बोलना पड़ेगा सर शो कॉज में जब तक मुझे चार्ज नहीं गलत बताओगे आप, जैसे मान लीजिए जब आप आईपीसी में होता है या फिर किसी में होता है, मैंने आपको बोला भाई साहब आपने ये चोरी करी है पर आपने चोरी नहीं करी, राइट, मान लो डकैती करी है, फिर डकैती छोड़ दो एग्जांपल देते हैं, आपने कुछ और गलत काम किया, तो मैं जब चोरी का चार्ज लगाऊंगा तो आंसर भी आप चोरी का ही दोगे ना यार, तो अगर आपने 68 लिख दिया तो मैं आंसर भी 68 का दूंगा, राइट टू अप्रिशिएट, अगर 69 होना चाहिए तो चार्ज आपने गलत लगाया तो मेरी एडिशन भी गलत हुई, तो आपको सर आप आर्ग्यूमेंट ले 69A शो कॉज नोटिस में जो एडिशन की है वो गलत है, मैं ये कह रहा हूं आपको सर, आप आर्ग्यू अगर ऑर्डर वाले, एक मिनट भैया, आप आर्ग्यू जब ऑर्डर में कर रहे हो तो वहां पे मेरा 292B काम कर जाएगा, जो मैंने आपको बताया सीएटी बिल बोलेगा भाई साहब 292B है तो सही, 68B नहीं वो 69 एडिशन हो जाएगा, लेकिन जब आप शो कॉज को अटैक करोगे सर वहां पे केस बच जाएगा आपका, तो अब ट्रिब्यूनल में इफ आई फाइट ऑन द बेसिस ऑफ दैट शो कॉज इट विल वर्क, हां जी 110% सर, 110%, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आर्ग्यूमेंट क्या करना इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको सेल्स के बारे में बताया, अगर आप आर्ग्यू करना शुरू करते हो भाई साहब मेरी तो सेल हो गई होगी, मैंने तो कर दी थी सेल, तो सर बात नहीं बनेगी क्योंकि फैक्ट्स ही हमारे पास ऐसे नहीं है, मैंने आपको बताया 8x8 की दुकान है 8 नंबर पे 8 करोड़ की सेल कैसे कर लेगा, तो ऐसे केस में आपको आर्ग्यू ऐसे करना पड़ेगा, मेरा ओपनिंग कैश ए था, राइट, मैंने पूरा सेल पूरे साल में इतनी सेल करी, इतना कैश रिकवरी करी, अब ऐसे केस के अंदर इतना मेरा खर्चा हो गया तो मेरा क्लोजिंग कैश इलेट क्या है, वही तो सर जमा किया है और आपने बुक्स रिजेक्ट भी करी, और मैंने आपको दो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बताया चाहे बुक रिजेक्ट नहीं हुई क्या पार्टली कैश एक्सेप्ट कर लिया, सो उस आर्ग्यूमेंट को ले यू विल विन द केस। अब एक चैट में एक क्वेश्चन आया रेट टैक्स बिडियर, अच्छा सर मैंने अशोक जी आपको बताया भी है कि द रिट पिटिशन इज ऑलरेडी पेंडिंग विद गुजरात हाई कोर्ट एंड राजस्थान हाई कोर्ट, उसमें मैंने बताया दो एवरमेंट्स है, जिसमें मैंने एक एवरमेंट बताई है, दो जजमेंट बताई है सुप्रीम कोर्ट की, एक है सिंधिया स्टीम नेविगेशन वाली और एक मैंने केस स्टेट ऑफ केरला की बताई है, जहां पे मैंने बताया है कि और एक वाटिका टाउनशिप की जजमेंट आप देखोगे सर एक्सप्रेसली उन्होंने नहीं लिखा है कि इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव, तो यू कैन टेक दिस आर्गुमेंट, वन शुड टेक दिस आर्गुमेंट, यू नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, आर गेटिंग पॉइंट, और मेरे हिसाब से ये आर्गुमेंट बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और कोई सर क्वेश्चन किसी का? हाँ जी भैया कोई भी क्वेश्चन, हाँ जी भैया, भैया थोड़ा सा देश बोल, कोई अनम्यूट कर लें प्लीज, अगर किसी को क्वेश्चन पूछना, अदरवाइज आई विल हैंड ओवर टू लोकेश भाई। सुमित भैया, सुमित जी आई बिलीव लोकेश आर यू देयर, ठीक है, तो ठीक है, व्हाट आई विल हैंड ओवर द माइक टू हिम, ऑलरेडी सर 5-5 हो गए, तो लोकेश का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इज अ वंडरफुल स्पीकर, आई बिलीव सुमित, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ मैम, आप मेरा नंबर नोट करना है, नंबर नोट कर लें, माय नेम इज 9810387163 98103 87163, और मेरा ईमेल आईडी है nitinkanwar@globalca.in, NITIN nitinkanwar@globalca.in, तो आपको कोई भी हो मैं पीपीटी ईस्टर्न वालों को दे दूंगा, वो आपसे शेयर कर लेंगे, और कोई भी चीज आप यू कैन डिस्कस दोस्त विद एनीबडी, राइट, और नाउ वी नॉट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, मैं अब लोकेश के बीच में और आपके बीच में नहीं आऊंगा, लोकेश इज अ वंडरफुल स्पीकर ऑन फेमा एंड द, अभी कुछ बीच में डेवलपमेंट भी हुई थी कि एज टू डिफरेंट कंट्रीज, तो कि अलग अलग में क्या होता, आई एम नॉट गोइंग ऑन दोज डिटेल्स, दैट विल लोकेश विल कवर, तो सर लोकेश भाई इज अ वंडरफुल स्पीकर ऑन बैंक अकाउंट एंड फेमा, आई हैंड ओवर द माइक टू लोकेश भाई, लोकेश भाई वो हो पा रहा है आपका स्क्रीन शेयर हो पा रही है ना, मैं एक सेकंड करके देखता हूं, हो गई है स्क्रीन शेयर, हो रही भाई हो रही है, ठीक एक सेकंड लोकेश भाई, एक मिनट भाई, एक मिनट